वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जिंदगी कैसी गुजर रही है? अरे भाई, पता नहीं कल तो मेरे मियाँ जो है अपने कपड़े बनवाने जा रहे थे, रस्ते में थे तो कोई इतना कोई हंगामे हो रहे थे रस्ते में कि वो कोई 4.5 घंटे सारे फैसले पे फंसे रहे। सो कभी जिंदगी में ये होती हैं चीज़ें और कभी नहीं होती, लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ इंसान ख्वाब देखता है और उन ख्वाबों में वो अपना फ्यूचर देखता है, उन ख्वाबों में वो अपने फ्यूचर के साथ उसमें मौजूद बच्चे देखता है, उनके फ्यूचर को सेट देखता है। सबसे पहले तो वो ख्वाब में जो है वो दुल्हन देखता है और जो लड़कियां हैं वो अपना स्पाउस देखती हैं, हमारे ख्वाबों का शहजादा मिल जाए। लेकिन जो एक्चुअल कॉमन ख्वाब है आम पब्लिक का, वो ये है कि अपनी ज़मीन होनी चाहिए, अपना घर होना चाहिए, अपनी छत होनी चाहिए। और वो इसी जद्दोजहद में अपनी उम्र की कमाई हुई आधी से ज़्यादा कमाई वो सर्व कर देते हैं घर बनाने। खाली औरत का ख्वाब नहीं है बल्कि बहुत सारे मर्दों का भी ये ख्वाब है। कमेटियाँ डाली हुई हैं, पता नहीं क्या क्या जगह इन्वेस्टमेंट की है कि वो निकलेगी चीज़ तो हम ज़मीन लेंगे या हम घर बनाएंगे। कभी किसी को विरसे में, मतलब ये एक खुश नसीबी होती है, पेरेंट्स की तरफ से विरसे में ज़मीनें मिल जाती हैं या कुछ ऐसा घर मिल जाता है ख़ानदानी आबाव अजदाद का, कि उस स्ट्रेस से आप दूर रहते हैं। लेकिन मैंने हर किसी को, चाहे कोई किसी भी क्लास का बंदा हो, चाहे किसकी कितनी भी तनख्वाह हो, वो अपनी हैसियत के मुताबिक मतलब कोई ऐसा इलाका या वो देख लेता है और उसके बाद उस पर अपनी इन्वेस्टमेंट करता है। क्योंकि जब आप नोट करें तो आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो आपके अपने घर में आपके सामने, अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमेशा बीमारी में आपको ज़बरदस्ती उन्हें हॉस्पिटल भेजना पड़ता है। क्यों? उसकी वजह यह है कि वो चाहते हैं कि आपके अपने जो आखिरी वक्त है, सबको जाना है अल्लाह ताला के पास, लेकिन अपनी आखिरी वक्त जो है वो अपनी छत के नीचे गुजारें, अपनी अपने घर के नीचे गुजारें, जहाँ उनके बच्चे पल के जवान हुए हैं, जहाँ उनके बच्चों के बच्चे हुए हैं, उनको देखकर ही वो जीते। वो कहते हैं कि हॉस्पिटल जाके हम और बीमार हो जाते हैं और हमारी आधी बीमारी तो इस रौनक को देखकर ही ख़त्म हो जाती है। मैंने जब ये ऑब्जर्व किया और जब बाकायदा बुज़ुर्गों को ठीक होते देखा है अपने घर की छत के नीचे, तो मुझे एहसास हुआ कि जो कंबाइंड फैमिली सिस्टम है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, एक कितनी बड़ी नेमत है हमारे बुज़ुर्गों के लिए। क्योंकि अगर उनकी लाइफ को आपने बढ़ाना है और अगर उनका साया आपने अपने सर पर ज़्यादा अरसे रखना है तो बहुत ज़रूरी है कि उनको घर में एक ऐसा माहौल फराहम करें जो उनकी ज़िंदगी को लंबा कर देती है। वरना बहुत सारे लोग तो डिप्रेशन का शिकार होके ही अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, अकेलापन, लोनलीनेस। मैं आपको इसी एक ख्वाब से मुंसलिक एक पैकेज दिखा रही हूँ। इटली में एक ऐसी जगह है जिसके लिए ये ऑफर दी जा रही है कि आप इस जगह पर आएं, इसको रेनोवेट करें 3 साल के अंदर अंदर, और आपको ये जगह सिर्फ $1 के अंदर दी जा रही है। आप हैरान हैं, इटली जाने का मत सोच लीजिएगा, हर कोई नहीं जा सकता। क्या ज़बरदस्त ऑफर है! अच्छा, ये भी होता है कि आपका दिल चाहता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा किचन अभी इतना टूटा फूटा है और मुझे कोई अच्छा किचन बनाने वाला नहीं मिल रहा, मैं बड़ा इधर उधर से कितने महीनों से जद्दोजहद में, जद्दोजहद ही कहते हैं कि मेरा किचन ज़रा 1 महीने में बन जाए, हर कोई कह रहा है 5 महीने लगेंगे, मुझे 5-6 महीने हो गए अच्छा किचन वाला ढूंढते ढूंढते। सो उसी तरह लोग जब ज़मीन खरीदते हैं तो उनका बस नहीं चलता कि ये यूँ मिनटों में तैयार हो जाए या ये घर यूँ मिनटों में बन जाए। क्यों? क्योंकि वो एक्साइटमेंट होती है। वरना आपको पता है ना, जो मजदूर आपको ख्वार करते हैं, आपको ठेकेदार को हायर करना पड़ता है उनको कंट्रोल करने के लिए। ख्वाब नहीं लग रहा जैसे आप गुड़िया का घर जल्दी जल्दी एक ही दिन में तैयार कर लेते हैं, गुड़िया के कपड़े तैयार, सो वो ख्वाब लगता है ना। तो टेक्नोलॉजी इसी तरह ग्रो कर रही है, चाहे टेक्नोलॉजी कितनी ही आगे चली जाए, चाहे आप कहते हैं ना कि चांद पे तो पहुंच गए हैं, चांद के अलावा मार्स और पता नहीं जुपिटर कहाँ कहाँ पहुँच जाए, कुछ चीज़ें ऐसी जो कभी नहीं बदलती। वो कहानियाँ आपने अपनी अम्मी से भी सुनी होंगी, आपकी नानी या दादी ने भी आपको सुनाई होंगी, और आप अपने बच्चों को भी सुनाती होंगी, आपके बच्चे भी आगे अपने बच्चों को सुनाएंगी। वो कहानी बदल नहीं सकती, वो हमारे ड्रामों की कहानी है और हमारी असल ज़िंदगी की कहानी। यानी कि एक तरफ है बहू और एक तरफ है सास और बीच में है बेटा। ये खींचा तानी तो हर वक्त, हर क्लास की फैमिली,
हर मुल्क में चलती है। सीरियसली हमारे यहाँ थोड़ा यहाँ पे एशिया में थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि इतना खूबसूरत हमारा सिस्टम, जॉइंट फैमिली सिस्टम बना हुआ है, इसका भी एक अपना ही मजा है। और अगर ये जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं होता तो ड्रामे कैसे बनते, स्टोरीज कहाँ से मिलती? मतलब वेस्ट वालों के पास और बहुत सारी कहानियां हैं, हमारे पास तो यही कहानियां और इनकी गिट गिट। और यकीन माने, मैं चाहे कितनी भी ऊपर पहुंच जाऊं, चाहे पढ़ लिख कर कितने भी पैसे कमा लूं, कितना भी नाम कमा लूं, लेकिन वो ड्रामे जो सास बहू की कहानी वाले ड्रामे, वो देखने का लज्जत ही अलग है, मज़ा ही अलग है। लाख कह दें हम बड़े बर्गर हैं, लाख कह दें हमें तो कोई मसला नहीं, लेकिन जब आप देखने बैठते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको मज़ा ना आए। बात सुने, सारे मजे तो हम खवातीन ले रही होती, बेचारे उन मर्दों का क्या हाल होता होगा सोचिए, जो बीच में फंसे होते हैं, कोई इधर से खींचता है, कोई उधर से खींचता है। तो यही खींचा तानी आज हमारे शो पे भी आप देख पाएंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। तो आइए मिलवाती हूँ मैं आपको अपने गेस्ट से, और जो वो दो गेस्ट हैं ऐसे हैं, वो जो हमारे घर में ये वाले रिश्ते होते हैं, ये बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं भाई। इन्हीं के दम से घर में रौनक होती है, इन्हीं के दम से घर में सुकून होता है, और इन्हीं के दम से घर में जंग भी होती है। अब डिपेंड करता है कि उनकी नेचर कैसी है, उनको किस बात पर गुस्सा आता है। सो ये दोनों सेलिब्रिटीज़ जिनको मैं अभी दावत दे रही हूँ, ये आपको ड्रामों में मुख्तलिफ कैरेक्टर्स करते हुए नज़र आते हैं, और ख़ास तौर पर माँ और सास का कैरेक्टर जो है ना, वो तो कहते हैं ना गुट्टी में बन गया है। सो अगर कोई खूबसूरत और ज़रा स्टाइलिश माएँ दिखानी होती हैं या सास दिखानी होती हैं, तो इनका चुनाव किया जाता है। आइए ज़रा मैं आपकी मुलाकात इनसे करवाने से पहले इनके बारे में कुछ बताऊँ। जी बहुत दिनों बाद आप मेरे शो पे, बल्कि मेरे शो पे मेरा नहीं ख्याल वो कभी आई होंगी, मुझे तो याद नहीं पड़ता है इस 13 साल के शो में। आपने उनको सबसे पहले PTV पे देखा, PTV में जिस जिन ड्रामों में आपने उन्हें देखा, उनमें शामिल हैं जनाब तेरी गली में, मिरातुल उरूस, और बहुत सारे दूसरे चैनल्स के ड्रामे हैं, बदनाम, बेटी शहनाई, तेरी राह में, अभी आप रिसेंटली तकरीबन रोज देख रहे हैं इनको, और आज आप इनको मेरे शो पे भी देखेंगे। और जो दूसरी एक्ट्रेस है उनको आप मेरे शो पे ज़्यादा देखते हैं, ड्रामों में कम देखते हैं, ड्रामे वो कम कम करती हैं, लेकिन जिन ड्रामों में आपने उनको देखा है वो हैं सांवरी, मोहब्बत, ख्वाब सफ़र, खुदा मेरा भी है, और आजकल आप उनको दोबारा में भी आज सास देख रहे हैं। सो आइए वेलकम करते हैं नाइमा खान एंड अंबर खान, कजन से क्या? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, सास की तरह मिल रहा है ऐसे में। भाई अब क्या करें, मजबूरी है। ओए होए, सुबह सुबह क्या कर रही है तुम्हें? मैं सुबह सुबह काम काज नहीं है, घर सुबह सुबह जो लोग रोज नहीं करती है। अगर मैं गिनती करवाऊं आपसे कितने ड्रामों में सास बनी है आप, तो आप लोगों का क्या एवरेज रेट होगा? हाय अल्लाह, ये दुखती रख पे इसने मेरे रख लिया यार। जब मैं शोबिज में आई ना, पहले ड्रामा मैं क्या वो ग्लैमरस टर्किश मॉम क्या बनी, वो छाप लग गई। बस आप जो उसके बाद लोगों ने सोचा बस बस क्या ग्लैमर वाली मॉम, ग्लैमर मॉम मतलब ठप्पा लग गया, ठप्पा लग गया। आप बताएं, आपने तो बहुत सारे पहले तो मैंने सॉफ्ट किए, हाँ, और फिर जरा मैंने चौधरानी टाइप किए, तो कहा कि इसको बुला लो, बल्कि मेरी सास को ने भी किसी को बताया कि नाइमा वो मेरी बहू, कहती तुम्हारे साथ तो ठीक है ना। फिर बस वो मजलूम जब चाहिए हो तो मैं चली जाती हूँ, जब वो चाहिए हो तो बस फिर मैं बस जिसका दिल करता है वो। मतलब अच्छी एक्ट्रेस होती है तो उसको मजलूम कैरेक्टर भी मिलते हैं, और फिर उसको थोड़ी सी चौधरानी वाले कैरेक्टर भी मिलते हैं कि हाँ भाई बैठ इधर। तो अभी जो है आप ड्रामा रोज चल रहा है, पढ़ी लिखी जाहे लूं तेरी राह में, मैंने देखा बड़ा इंटरेस्टिंग आपका ड्रामा है, और आपका भी बड़ा जबरदस्त ड्रामा चल रहा है। सो प्लीज हैव अ सीट, थैंक यू निदा। जैसे कि घर में रौनक होती है सास के दम से, आपके दम से हमारे शो पे भी रौनक है। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच, आपकी मोहब्बत है बिल्कुल, और शायद आज के बाद माँ ने डिफरेंट रोल दे दें। चलो भाभी का भी मिल जाता है, नाम का मिल जाता है, लेकिन अब ज्यादातर ना मैं सिंपल, पता नहीं, हालांकि जबकि मैं बिल्कुल ऐसी नहीं, मुझे उतनी जो ना चाहिए। तो यही तो एक्टिंग है ना भाई, जो आप मुझे लेते हैं और आप दिखाएं। अच्छा अब हम उन कैरेक्टर्स को बुला रहे हैं
जो बेचारे ड्रामों में भी कभी कभार मजलूम होते हैं, घर में भी कभी कभार बोलूंगी मजलूम, क्योंकि वो होता है कभी बीवी खींचती एक तरफ से, कभी माँ खींचती एक तरफ से, तो ये खींचा तानी हर घर में चलती है, मगर कभी कभार ये भी होता है कि डोमिनेशन सिर्फ इस कैरेक्टर की होती है ड्रामे में भी और असल जिंदगी में भी। सो ये दो सेलिब्रिटी गेस्ट जिनको मैं अभी दावत दे रही हूँ, उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि इन्होंने दामाद के कैरेक्टर्स के अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर्स किए हैं जिसमें इन्होंने अपनी एक्टिंग को मनवाया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक जो मेरे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं इनके बारे में बताना चाहूँ तो आपने इन्हें देखा है दो बोल, पिया नाम का दिया, पाकीज़ा फुप्पो, मुकद्दर, कासाए दिल और मुनाफिक, बहुत सारे ऐसे मुनाफिक जैसे ड्रामों में आपने इन्हें देखा है। और जो दूसरे मेरे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं इन्होंने ना आपने बड़े गैप्स में देखा है, इन्होंने काम किया पीटीवी में भी, इन्होंने प्राइवेट चैनल्स में भी काम किया, आपने इन्हें देखा है जनाब मलका आलिया, वो इश्क था, माँ सदके, सितम और बहुत सारे ड्रामे काम किया, लेकिन ये मुझे जो है ना ये इस तरह नज़र आते हैं कि बड़े चूजी हैं, कैरेक्टर्स के मामले में बड़ा चूज़ कर करके चलते हैं, इसलिए हमें थोड़े कम नज़र आते हैं। मेरे शो पे बड़े दिनों बाद आप मिल पाएंगे जी, हारिस वहीद एंड फाइक खान। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? आप लोगों ने कभी गिनती की है एवरेज कि आप ड्रामों में कितनी दफ़ा दामाद बने हैं और वो दामाद वाली चीज़ें आपको बेयर करनी पड़ी हैं अपनी अम्मा के थ्रू, मतलब लाइक बेटों वाली चीज़, या फिर आप रेड कारपेट वाले दामाद बने? नहीं नहीं, ऐसे दामाद बड़े हैं कि हमेशा गालियाँ पड़ी हैं आवाम से। खतरनाक वाले? हाँ, खतरनाक वाले। 50-50 मेरा तो रेशो रहा है हमेशा। 50-50 रहा है? 70-30 रहा है आपका? 70-30 रहा है। तो क्या कुछ कभी ऐसा होता है? मैंने तो स्क्रिप्ट, ड्रामों के स्क्रिप्ट से बड़ा सीखा है जिंदगी में, मैंने बड़ी ऑब्जर्वेशन जो है वो स्क्रिप्ट के दौरान ली है कि जिंदगी एक्चुअली क्या है, राइटर्स जो लिख के देते थे और कहानियाँ पढ़ के, आप लोगों ने कुछ एक्सपीरियंस किया कुछ? काफ़ी कुछ ड्रामों से सीखा है। सुन में देखिए, वो लोगों का ये ख्याल होता है ड्रामे देख के कि ये इस किस्म की जो स्टोरीज हैं ये हमारे कल्चर का माशरे का हिस्सा नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। हर एक घर की कहानी मुनफरद है और उसी का हवाले से उसी को हम लोग रिफ्लेक्ट करती है सोसाइटी की तरफ। लेकिन हमारे ड्रामों में खास बात जो है ना वो एंड में मैसेज हमेशा अच्छा होता है। अच्छा होता है, मैसेज होता है। जो स्क्रिप्ट आई थिंक रियलिटी बेस्ड है, जो घरों में जो बातें होती हैं वही करते हैं। और जाहिर सी बात है, अब एक चीज को आपने सीरियल में लेके जाना है तो उसको फैलाना पड़ता है थोड़ा एग्जैजरेट करना है ना। फाइक कितने साल हो गए एक्टिंग करते हुए? मुझे 19-20 इयर्स हो गए। माशाल्लाह। हमने भी काम किया है एक साल, है ना? हमने ही स्टार्ट किया। मुझे वो याद है कश्मीर में जब रमजान चल रहे थे और इफ्तार के बाद जो है वो आपको बॉयल एग खाना था। अच्छा। और उसके बाद मैंने वो भी टाइम देखा है जब आप यासर से कह रही थी कि हम लोग खाई में गिर ना जाएं, और वो जो राइड थी हमारी बड़ी बम्पी किस्म की राइड थी। हाँ। और मैं ये सोच रहा था कि ये जो खातून है ये इनको वसवसे कितने आते हैं। और यासर भाई बेचारे उस वक्त नई मंगनी हुई थी, रुखसती नहीं हुई थी इनकी, शादी नहीं हुई थी, शादी नहीं हुई थी, मंगनी हुई, तो वो एक ऐसा बेचारा शौहर मेरे सामने आया, पता लग गया था कि अगला दौर कैसा गुजरना है। मजे की बात है, तब उसने दो बॉयल्ड अंडे खाए। और वाले साहब, मैं वाले साहब का जिक्र करूंगा क्योंकि वो मेरे गुरु हैं, मैं उनको गुरु मानता हूं। मेरी मुलाकात उनसे नहीं हो पा रही, काजम पाशा साहब, उनका ही ड्रामा था जिसमें उन्होंने काजी किया। पहले दो अंडे खाती थी, अब तो बिल्कुल नहीं कुछ खाती है, जिंदगी बॉयल्ड एग बन गई होगी। और आपको हारिस कितने अर्सा हो गया एक्टिंग करते हुए? मुझे तकरीबन 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए। सो ये मुझे लगता है कि पता नहीं हमारा जो ये काम है एक ब्लेसिंग है कि हम इसे इससे प्यार भी करते हैं और हम ये काम कर भी पाते हैं, शुक्र। और कोरोना में भी हमारा काम रुका नहीं, हम मास्क पहन के शूटिंग्स पे जाते रहे। प्लीज आइए, तशरीफ रखिए। थैंक यू सो मच। ओके जी, अब आ गई वो कैरेक्टर्स ड्रामों के या असल जिंदगी के भाई, जिनके बगैर कोई जिंदगी भी जिंदगी है प्यारे। जितनी अहमियत इन कैरेक्टर्स की होती है असल जिंदगी में, आपके घर में, क्योंकि इनकी वजह से रौनक होती है, चुलबुली भी होती हैं,
कभी बहुत बेचारी हंसमुख भी होती हैं, बर्दाश्त करने भी वाली भी होती हैं, लेकिन कभी कभार सबको घुमा के भी यही कैरेक्टर्स रखती हैं, ड्रामो में भी और एक्चुअल लाइफ में भी। मगर खैर, असल जिंदगी में जो सेलिब्रिटीज ये कैरेक्टर्स प्ले करती हैं, आइए मैं आपको इनसे मिलवाती हूँ। जब आपने इनको ड्रामो में देखा तो बहुत सारे ड्रामों में ये एक्टिंग करती हुई नजर आई, पढ़ पढ़ा के आई थी नापा से, फॉर एग्जाम्पल गलती में आपने इन्हें देखा, बहुत सारे जो वो सारी पड़ोसी चैनल के ड्रामे थे जो बड़े मशहूर हुए थे, उनका नाम मैं नहीं ले रही, हाँ सो उसमें बड़ी मशहूर हुई, घिसी पिटी मोहब्बत, फरियाद, मुझे विदा कर, मतलब जहाँ भी एक्टिंग दिखानी होती है ना तो इनको कास्ट कर लिया जाता है। और जो दूसरी हैं, आपने उन्हें मॉडलिंग के करियर से आगाज करते हुए देखा, हमारे शो में भी आपको काफ़ी दफ़ा नजर आई, फिर एकदम ड्रामों में नजर आना शुरू हो गई, और बाजी में नजर आई, पापोश नगर की नीलम में नजर आई, घिसी पिटी मोहब्बत में, और रिसेंटली आपने उन्हें मैं हारी पिया में देखा। आइए वेलकम करते हैं सना अस्करी एंड मेरी हम नाम निदा फिरदौस। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हमेशा यस हां अस्सलाम वालेकुम निदा, ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूं। हाँ जी, तो तुम लोग बताओ, बहुओं 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 तुम लोग बहू हो या भहुओं हो, क्या लगता है तुम्हें? अब बहू ड्रामों में एवरेज, मैंने स्टार्ट किया था ना बड़ी सीधी सादी बहू से, अब जो है ना वो तेज मार्जिन तो बेटा यही इसी अब जो मैं कर रही हूँ उसमें सास के साथ मिलके कर रही हूँ, सास भी मेरे साथ है, हम दोनों विलन बन के बर्बादियां कर रहे हैं, लड़के को बर्बाद कर रहे हैं। और तुम्हारी सास मरीना खान है ना उसमें? थी, अब नेक्स्ट में। अच्छा, अब दूसरा वाला ड्रामा, तो यार मतलब मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो मरीना खान इस तरह के सास और ये वाले कैरेक्टर्स करने लगी, बड़ा मजा आता है ना जब कोई मतलब मरीना इस तरह के कैरेक्टर्स नहीं करती थी, लेकिन वो डिफरेंट ऐसी है ही नहीं बिल्कुल भी ना, तो वही एक नजर आता है कि बिना एक्टिंग से कैसे अपने कैरेक्टर को, बट शी इज वेरी स्वीट, शी इज अमेजिंग, शी इज अमेजिंग, बिल्कुल बिल्कुल। सो तुम्हें कितना अरसा हो गया सना? 11 11 और निदा आई जस्ट स्टार्टेड, लेकिन तुम मॉडलिंग तो कर रही थी ना? मॉडलिंग में टाइम हो गया 4-5। तो बैठो यार, बहुए सासों और दमादों को हमने वेलकम कर दिया है, बेटों को दमाद नहीं, दमाद क्यों कह रही हूँ मैं, बेटे, बेटे बेटे दमाद जी की तो कहानी ही अलग है ना, ये तो बेटे हुए। Why are we red? हाँ? हम रेड क्यों हैं? तुम लोग दिलन ही हो ना, मतलब खतरे की निशानी। इसको इन अदर वर्ड्स यू आर हॉट, देखा? और बेटे कूल है, कूल है वो बिल्कुल, आते के साथ ही वो शुरू कर दिया। अच्छा, मैं मुझे असल जिंदगी जो है ना वो सबकी तो पता है, क्योंकि इनकी बेगम भी आ चुकी हैं, इनकी बेगम का भी मुझे पता है, इनके मियां का भी पता है, इसका भी कुछ नहीं पता है भी कि नहीं, आपका मुझे नहीं पता, आपकी आपकी घर में कौन कौन है, लाइक आपके बच्चे, एक्चुअल लाइफ बात करो। मेरी दो बेटियां, अच्छा बेटी मैरिड है, अच्छा, और दूसरी की अब मार्च में इंशाल्लाह निकाह है, और मेरे हस्बैंड बस, यानी आपका बेटा नहीं है, दामाद जी हैं। हाँ, मैंने वो मुझसे किसी ने पूछा कि आपके बेटे नहीं है, मैंने कहा मेरी अल्लाह मियां से डील है, दो बेटियों के साथ दो बेटे फ्री। ये तो है, ये तो है। और तुम्हारी भी दो बेटियां? दो बेटी। अरे ये जो दो सासें हैं इनकी दो दो बेटियां। अच्छा, हर सास अपने दामाद के साथ अलग तरह का रिलेशनशिप मतलब लेकर चल रही होती है, आपके रिलेशनशिप कैसे अपने दामादों के साथ, वो वाली है कि चलो ये खा के जाना, ये खाओ ये वो, या थोड़ी सी आपकी सुनी जाती है? नहीं, वो रिस्पेक्ट करते हैं, बड़े भी और छोटा भी, अब वो जरा फ्रैंकनेस का लेवल है मेरा, मैं जोक्स भी करती हूं उनके साथ, हाँ मजे वाला है, कोई मतलब ऐसा दामादों वाली वो टिपिकल आओ चलो रेड कार्पेट बिछाओ दामाद आया है वो वाली कहानी नहीं, बिल्कुल। अच्छा, आपको सबसे ज्यादा मुश्किल कैरेक्टर्स क्या लगते हैं प्ले करना, जब आपको कोई जालिम सास का कैरेक्टर दे दिया जाए, आपको किसी चौधरानी का कैरेक्टर दे दिया जाए, या आपको कोई मिस्कीन कैरेक्टर दे दिया जाए, क्या आपको सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है प्ले करना? मुझे मुश्किल सिर्फ लगता है जब मुझे बहुत ज्यादा ये गेटअप करना पड़ता है ना मॉडर्न, और वो गर्मी हो रही होती है, पसीने बह रहे होते हैं, वो मुझसे मैनेज नहीं होते, मैं कहती हूँ मुझे फकीरों वाले गरीबों वाले दे दो ताकि मैं इजीली कर लूं। और अंबर तुम्हें तो ऑपोजिट होगा ना, अंबर को दे दो पहनने ओढ़ने वाले कैरेक्टर। नहीं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब गर्मी में शूट करते हैं ना उसमें बाल वाल कर्ज जोड़ा बांध दो बेसिकली, और मैं चाहती हूँ मुझे मतलब है कि डिफरेंट हुए ना, पागल का भी कैरेक्टर दो, मेंटली रिटार्डेड का भी दो, बिकॉज़ आई स्वेयर
आई डोंट माइंड, मुझे पहले था एक्शन. मतलब एक ही कैरेक्टर करके मतलब मैं सिंपल भी आती हूं. भाई आपने एक्शन वाला कैरेक्टर दे, ऐसी सास ना बनाए जो खाली जबान से काम करे. हां हां तो फाई भी होनी चाहिए. वो वाली नहीं 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 सिंपल आहिन में कास्ट करना चाहिए. जैसे वो होता था चार्लीज एंजल्स, ब्लैक ब्लैक विडो यार, कमांडो. यस कमांडो या चार्लीज एंजल्स. वो कह रही सिंपल आहिन में कास्ट करना चाहिए. मतलब वो समझते हैं बस एक माँ. अब क्या है वो, या तो नेगेटिव है, नेगेटिव में ममता बहुत है ना. मैं हालांकि मैं रियल लाइफ में बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ, लेकिन मुझे जितने लोग देख रहे हैं ना, कितनी खराब, कितनी लालची बनी हूँ. मैं तो ओके गुस्सा आ रहा है ना, गुड. तुम लोगों को भी सुनने को मिलता है क्योंकि आप लोग विलेनिश कैरेक्टर्स भी करते हैं, तो आप लोगों कभी बाजार में कई जुमले सुनने को मिलते हैं. हाँ आजकल मुझे मिल, आजकल मुझे मिल, मुझे मिल रहा है. एक, एक, एक पड़ोसी चैनल पे सीरियल चल रहा बेबाक, तो उसके हवाले से मैं एक मॉल में था, तो एक हैदराबाद से उम्र रसीदा खातून मिली मुझे. उन्होंने एक गाली टूट करके मुझे बोला कि तुम ये जो कर रहे हो सही नहीं कर रहे. वो आई वॉज लाइक, मैं जवाब के मैंने कहा जी मैं दुरुस्तगी की कोशिश करूँ. मेरे पास कोई जवाब अच्छा किया है कि उनको ये लगा नहीं, he is right, लोगों पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है. बट लोग पर्सनल हो जाते हैं, दैट इज यस यस पब्लिक प्रॉपर्टी है, एक्टर पब्लिक प्रॉपर्टी है. बट वो आप चीज ना कहें ना, आपको भी अपने हुदूद और कुयूद का ख्याल रहना. वो अपनी फ्रस्ट्रेशन इधर निकाल रहे हैं. एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आके यहाँ मेरे पास बीवियां भी हैं, या मेरे पास बेटा भी है, मेरे पास माँ भी है, सास भी है, बहू भी है, और बेचारा बेचारे बेटे भी हैं. सो आइए देखें हमने करना क्या है इन लोगों के साथ. बेचारे बेटे. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे शो पे दो बेटे हैं जो ड्रामों में बेटों का कैरेक्टर करते हैं. कभी कभार जो है इनकी वजह से घर को नुकसान पहुंच रहा होता है, कभी कभार घर वालों की वजह से इनको नुकसान पहुंच रहा होता है. यहाँ जी आप देख रहे हैं मेरे पास दो प्यारे सेलिब्रिटी हैं जो बहुओं का कैरेक्टर कर रहे होते हैं, और यहाँ भी वाइस वर्सा ऐसे ही होता है, कभी इनको नुकसान कभी उनको नुकसान. और फिर मेरे पास यहाँ हैं दो सासों का कैरेक्टर. सास सुनते ही दिमाग में आ जाता है थोड़ा खौफ. पता नहीं क्यों. तो मैं यहाँ आप तीनों जो जो कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, आप सास बहू एंड बेटों के, उसको मद्देनजर रखते हुए जनरली सवाल आप लोगों से करूंगी. प्लीज आप अपनी कहानी पे मत जाएगा असल जिंदगी की, और आप अपनी कहानी पे नहीं. और पहले मैं बेटों को बता दो प्लीज, जो हम जवाब देंगे हमारी अपनी जिंदगी के. प्लीज आप हेडिंग ना लगा दीजिएगा फाइक ने अपनी जैसे घर के बारे में. जैसे मैंने जुओ को बताया तो अभी भी यूट्यूब पे है, अंबर खान के सर में जुए. बता दिया, कोई बात नहीं. आप शुद्र बेमहार बबांगे दोल बोल सकते हैं. आप मैंने तो ये सिर्फ डिस्कशन हुई थी, मैं कहा बड़ा अच्छा ये, मैं बचपन में बहुत जुए पड़ी है, और जानिए अंबर खान के सर में जुए अभी भी है. मतलब कि पॉपुलैरिटी के यार, मतलब बचपन में अब तो नहीं है. आइए भाई आप नाश्ता कर रहे हैं, मुझे पता है ये कहाँ ले जा रहे हैं. आइए हम जरा अच्छी अच्छी बातें करते हैं. बेटों पहला सवाल, घर का मर्द अक्सर अपने पैसे जो है वो बीवी से बचा के रखता है, खास तौर पे बीवी से. आप अगर इससे मुत्तफिक हैं आप दोनों जनरली, तो आप टिक का ये जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप इससे मुत्तफिक नहीं है तो क्रॉस लगाएंगे. वाइस वर्सा ये सवाल आप तीनों से है, मतलब सासों से भी. तो आपको अगर इस जवाब का जो भी आंसर लगता है वो आप लगाएं. भाई ये हम दोनों की तरफ से चले, आप यूं लगा दे. यस अच्छा, आपको क्यों लगता है ऐसे कि क्या बीवी से बचा के नहीं रखता वो पैसे? मुझे लगता है कि बीवी घर बनाती है, औरत घर बनाती है, तो मर्द जो है वो अमूमन जब काम कर रहा होता है तो वो घर आते है तो उसको घर की चीजों का नहीं पता होता, वो साइड औरत देख रही होती है. तो आपको लगता है कि वो सारी तनख्वाह जो उसने कमाई हुई होती है वो सब बीवी के हाथ में दे देता है, ये लो जाओ जमा कर. सब तो नहीं देता होगा. मेरा सवाल हाथ में देना एक अलग चीज है, वो एक आप अलग पराये में लेके जा रही है इस बात को, मुझे पता है.
हाथ में देना एक अलग चीज है और छुपाना एक अलग चीज है। मिसाल के तौर पर मेरी बीवी को पता होता है कि मेरे चेक्स कब आ रहे हैं, तो उसको पता होता है क्या है, तो कोई टेंशन नहीं, छुपाता नहीं, मैं छुपाता नहीं, उसको पता है। हाथ में आपने सवाल का जवाब ये दिया, जैसे मेरा सवाल था घर का मर्द अपने पैसे अक्सर बीवी से बचा के रखता है, बचा के रखने का छुपा के नहीं, बचा के, मतलब जैसे अगर लाख रुपए कमाए तो उसको 50,000 दे दिए, ये लो 50,000 इतने ही कमाए, बाकी 50,000 वो तो दोनों मिलकर सेविंग करते हैं ना, वो उसको बता देता कि ये बजट है हमारा मंथली बेसिस। दिस इज जनरल क्वेश्चन। हां जनरल, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स जनरल, मैं जनरली ही बात कर रहा हूं। जनरली आई फील वुमेन आर मोर स्मार्टर देन मेन स्पेंडिंग मनी। सो हमारे जो जनरली मर्दों का पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो औरत है वो ज्यादा अच्छा खर्चा संभाल सकती है, सो इसीलिए बहुत सारे मर्द बीवियों से बचाते हैं। इसको ऐसा कह रहे हैं, दोनों औरतों ने कुछ अलग इसको कह रहे हैं, कह रहे इस तरह से कि बचा कर रखता है औरत के पास। आई थिंक मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, इसलिए बिकॉज मैं गलत वे में नहीं, बुरे वक्त के लिए आई थिंक मर्द बचा के रखता है, दे डू हैव सेविंग्स, तो उसमें कोई हार्म नहीं। व्हाट अ लवली स्टेटमेंट। बहुत सारे मर्दों को कंट्रोल होता है घर पे, वो पूरे पैसे लाके नहीं देते सैलरी, वो एक खर्चा देते हैं, अपना रखते हैं, हर चीज अपने लिए भी सेविंग्स करके रखते हैं। ग्रोसरीज के लिए जाहिर है वो औरतों को देते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए आई थिंक फॉर द फ्यूचर एंड ऑल तो मर्द बचा के रखता है। अब आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है? मैं तो ये कहूंगी कि 50-50 है, कि नेगेटिविटी में भी जाता है कि कुछ मर्द वाकई ही बचा के रखते हैं बीवी से और कुछ सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ ज्यादातर मतलब ऑब्वियसली मैं भी पर्सनल एक्सपीरियंस पे मतलब बताते नहीं है कि कितना बैंक बैलेंस है, कितना क्या है, बहुत से ऐसे केसेस हैं तनख्वाह तक नहीं बताते कि वह इतना मिलता है, तो ये क्योंकि मैं अपनी कुछ फ्रेंड से भी बात करती हूँ तो ये है। बास है जो मेरी ऑब्जर्वेशन है जिंदगी के मामले में, मैंने ये देखा है कि अगर बीवी कफायत शार है और मियाँ जो है वो खर्चा ज्यादा करता है, उसको पता है कि उसकी कमजोरी है, पैसा आता नहीं और पहले से ही उधारों में चीजें किस्तों में ले ली, तो वो हस्बैंड्स हमेशा बीवियों के पास पैसे रखवाते हैं ताकि उनको पता है उनकी बीवी की नेचर ऐसी है। मगर बहुत सारी औरतें बहुत खर्चा करती हैं, ये नहीं कि अपने ऊपर करी है, घर के लिए बच्चों के लिए ले लिया, घर के लिए दावतें करी जा रही हैं, सो वहां मर्द उनसे पैसे बचाते हैं उनकी नेचर को आजमाने के बाद। मेरी तो ऑब्जर्वेशन ये वही हो गया 50-50। ओके अगला सवाल। हाँ ओके ये भी आप तीनों से ही सवाल है, सही है। बीवियां अक्सर अपना हथियार आंसुओं को बनाती हैं। ट्रू। जनरली ट्रू। What about you, Nada? मतलब जानबूझ के या वैसे बीवियों का हथियार, बेसिकली बीवियों जो भी है वो चाहे सास से लड़ रही हो चाहे वो बेटे से लड़ रही हो, उनका हथियार उनके आंसू होते हैं। आप लोग क्या कहते हैं? साढ़े चार वाले मैं 10 साल वाला हूँ, शादीशुदा है, वो शादीशुदा है, वो सिंगल है, ये साढ़े चार वाले शादीशुदा, मैं 10 साल वाला हूँ, अलग अलग चीजें होंगी। सो समहाउ ये बात किसी हद तक सही है। हाँ, सही कल सही का निशान लगा है मेरे हिसाब से भी सही है। जनरली मैं कहता हूं ये सही है, नॉट बट भाई ये अपने बीवी को नहीं कहता है जनरली, पर लड़कियां जनरली आई थिंक जनरली यही होता है, वो यही कर सकती है, रो ही सकती है ना बस। दिस इज द राइट आंसर एक्चुअली कि वो और क्या कर सकते हैं, बहुत सारे घरों में और वो रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकते और जान भी नहीं है, मतलब कुदरती आंसू निकल आते हैं। हाँ बर्दाश्त कर लेगी, चीखेगी नहीं, लड़ेगी नहीं, तो वो रोएगी तो सही ना। यार वैसे सलाह में आपकी टीम के सवाल लिखने वालों को इस तरह ट्रिकी क्वेश्चन लिखा है, वो ये कह रही है वो क्या कर सकती है, वो रो सकती है, दिल तो हथियार हुआ, वेपन हुआ, वेपन हुआ ना। अरे रुक तो जाओ, उनसे पूछ रहा हूँ, तुमसे थोड़ी पूछ रहा हूँ, इसका सर्वाइवल है ना वो वेपन। Good boy, कमजोर दिल, at a boy. लड़के भी होते हैं, पर मैंने ऐसा देखा है, ये मेरा मेरी ऑब्जर्वेशन है, ड्रामा में ऐसे ही होता है कि वो उस वक्त रोने बैठ जाता है अपने हम। लेकिन मैंने ऐसा देखा है जो लड़कियां इसको एक हथियार बनाती समझती हैं या बेचारी वो नहीं कर सकती, फिर वो सारी जिंदगी जो है ना इसी तरह दबी रह जाती है। जो जिसकी लड़की की नेचर चाहे वो कुछ भी नहीं कर सकती ना, अगर उसकी जबान 100 गज की होती है ना फिर वो बाकी सबको दबा देती है। जबान 100 गज की होना भी पॉइंट नहीं है, द थिंग इज कि आप लॉजिकल बात करो ना तो उसूल उसूल ट्रू यस, आप बात करोगे तो फिर अपने हक के लिए अगर वो सही वाली बात कर रही होगी कि ये मेरा
ये मेरा हक है, शुड स्टैंड, मतलब हर बात पे नहीं कि आप जानवरों की तरह लड़े ही जाओ, नहीं, लेकिन जहां यू थिंक यू नो यू आर करेक्ट और आपके पास कोई लॉजिक है, देन यू शुड स्पीक फॉर देन यू शुड नॉट क्राई, या देन यू शुड नॉट, बहुत दफा रोने से जो बहुत सारी असल उसूल वाली चीजें बह जाती है, लेकिन ज्यादा टाइम चल भी नहीं पाता, पता चल जाता है। अच्छा, मैं इसके बारे में बात करूंगा, आजकल के जो मर्द है ना, वो भी अपनी इमोशनल कोर खवातीन के सामने रखते हैं ताकि उनकी वो बात मनवा ली जाए जो इमोशनल कोर के तहत औरत मान जाती है या कन्विंस हो जाती है, तो ये मर्द भी करते हैं, इसको मर्द भी वैसे वेपन बनाते हैं। मुझे याद आ गया, मैंने भी बनाया था। मर्द को जो है आंसू नहीं आते, लेकिन अगर अगर कभी मर्द जो है ना वो ग्लेयर ले आए ना औरत के आगे, ओ बिक गई औरत, तो बिक गई, सही, मैं मान रहा हूं, देखिए मैं मान रहा हूं, मैं मान रहा हूं, बिक गई, लेकिन मर गई सच्ची। अगर इफ अ मैन क्राइज यू नो तो वो आई थिंक सबको ही हिट करता है, एवरीबॉडी ड्रामों में भी ना, मतलब हालांकि मेरा मियां कोई मासूम आदमी नहीं है, सबको बता दूं, यासिर वो जो रोया था ना नीलम वाला ड्रामे में, क्या नाम था, दिल मोहम्मद का दिया, तो वो सबको मासूम लगने लगा। और ये बात ही गलत है कि मर्द रोते नहीं है भाई, नहीं मैं क्राई, आपको तकलीफ होगी, आप परेशान होंगे, मतलब हर बात पे नहीं रोते, एक बर्दाश्त खत्म हो जाता है, मजबूत बनाया होता है, इसलिए वो मजबूत भी नहीं, आई थिंक हर इंसान के अंदर इमोशंस तो होते हैं, चाहे वो मर्द हो औरत हो। अच्छा, यही सवाल मैं जैसे मर्दों से करूँ आप लोगों को, वो होता है ना कि जैसे हमें तो धक करके रोना आ जाता है एकदम, आप लोगों को ड्रामे में रोना पड़ता है, आप क्या करते हैं, ग्लिसरीन लगाते हैं, क्या क्या सोचते हैं ऐसा? नहीं, मैं तो प्याज यूज करता हूँ, प्याज यूज सबसे बेस्ट है, आंखें रेड हो जाती हैं, आंसू जारो कतार वाली जो कैफियत होती है वो तारी हो जाती है, ग्लिसरीन मुझे सूट नहीं करती है। अच्छा, और आप क्या करते हो हारिस? मैं डिपेंड करता है, कभी कभी कोई अपने आप को किसी स्टेट में डाल के मैं रो लेता हूँ, या फिर बहुत ज्यादा आपको दुख लेना पड़ता होगा क्योंकि मर्दों को तो एकदम तो नहीं आंसू आते, वो जो बुरी चीज तो नहीं है, कैथार्सिस ही होता है ना, रोने के बाद कैथार्सिस ही होगा। आपकी आपकी अपनी, देखिए हर एक लाइफ में ना आपको डेंट्स आपको पड़े होते हैं, तो आप वो डेंट्स सोचते हैं अपने माइंड में, वो कैफियत सोचते हैं और आपको ऑटोमेटिकली रोना आ जाता है, फिर जब ज्यादा टेक्स में रोना पड़ता है तो फिर आपको प्याज व्याज टाइप की चीजें यूज करनी पड़ती है, प्याज होता है मतलब। ओके, अगला सवाल, शूट के लिए सब्जी भी चाहिए होती है, प्यास से बेहतरीन कुछ नहीं है क्या? हाँ, माँ अगर बेटे का झुकाव बीवी की तरफ देखती है तो तवज्जो पाने के लिए कभी कभार बीमार पड़ जाती है, क्या ये सच है, क्या लगता है? माँ अगर हस्बैंड का बेटे का झुकाव जरा बीवी की तरफ देखती है तो थोड़ी सी तवज्जो पाने के लिए कभी कभार बीमार भी पड़ जाती है। अब या तो वो बहुत चंट माँ है, जो बीवी का अपना मकाम है, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू, अपने घरों की कहानियां मत जाओ। नहीं नहीं, देखिए देखिए, अब मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुन ले, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू, तो जनरल पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है, वो बीमार नहीं पड़ती बल्कि वो रिएक्शन आना शुरू हो जाते हैं गुस्से, तेजी के, इनसिक्योरिटी के, पजेसिव होने के, और वो जो रिएक्शन होता है वो बहुत हार्श होते हैं यूजुअली, जो मैंने देखा है सोसाइटी में इर्द गिर्द, तो वो ऐसे ही होता है कि वो रिएक्शंस होते हैं, वो कोई ना कोई गुस्सा होता है, चिड़चिड़ाहट होती है, बीमारी वाली कैफियत, इवन आई डोंट नो, बट आई स्टिल बिलीव, इसमें भी मेरी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये कि पूरी जिंदगी माँ अपने बच्चे को पालती है, ठीक है, एंड देन सडनली उसकी जिंदगी में ये इतना बड़ा चेंज आता है, एक नई औरत आती है, ठीक है, सो थोड़ी सी जलसी तो होती है, क्यों जलसी है, सारे करने की जगह मैं इसके सेहरे देखूं, मैं सेहरे देखूं, फिर जलसी किस बारे में, भाई माँ कहती है कि अल्लाह का शुक्र है कि दोनों मियां मेरा बेटा खुश है अपनी बीवी में, देखो थॉट्स की बात है कि ऑब्वियसली मैं अपनी बात नहीं कर रही, लेकिन ओवरऑल जनरल अगर तुम सोचो तो अगर बेटा खुश है बीवी के साथ तो माँ कभी कहेगी यार चलो मुझे ना, मेरे सवाल का जवाब आप यस कह रहे हैं, रॉन्ग, यस, ऐसा नहीं होता, वो बीमार नहीं पड़ती, आपका एक बंदा कह रहा है कि वो ऐसा होता है, माँ को इंपॉर्टेंस चाहिए होती है, वो इंपॉर्टेंस गेन करने के लिए कच करती है, और आप कह रहे हैं नो, और तुम लोग कह रहे हो यस, ओके, तो हमारी 50-50 वाली अब आम हो गई ना, तीन लोग कह रहे हैं कुछ और तीन लोग कह रहे हैं, हम सबको केटर कर रहे हैं, आजकल की माँ इतनी मजलूम नहीं है, आजकल का जो दौर है, मासेस की बात कर रही हूँ, मासेस को ही मैं कह रही हूँ, आजकल की माँ इतनी मजलूम कैसे नहीं है, आजकल की बहुएं इतनी मजलूम नहीं रही है जितनी पहले थी, मतलब माएं जो है ना, मतलब बीमारी होगी वो वोकल हो जाएंगी, बीमारी के बारे में ज्यादा बताने लगी, नहीं मकसद है, वो खामोश नहीं होंगी, वो बोल सकती हैं, वो लड़ सकती हैं अपनी बीमारी चलाकी में, इतना नहीं करेंगी बीमार, वो स्टार्ट आर्ग्यू करने लगेंगी, लड़ाई करेंगी। मैंने बहुत सारी माओं को ऐसे देखा है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, बहुत सारी माएं ऐसी हैं
वो चुप साध लेती हैं। अगर वो कुछ ऐसा फील भी करी होती है उसकी वजह ये है कि वो घर का माहौल नहीं खराब करना चाहती। तो बहुत सारी जो वो ममता वाला एस्पेक्ट है ना, बहुत सारी माएं उस पे चलती हैं। लेकिन कि मैंने अगर कुछ बोल दिया, अगर हम जनरली बातें करेंगे ना, तो जनरली बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आदम बर्दाश्त हमारे माशरे में बहुत, मतलब बिल्कुल रेयर है, बहुत बिल्कुल, ठीक है। तो अब लोग रिएक्ट करते हैं, आपको ऑनेस्टली बताऊं, वो पुराना दौर चला गया जब जो है वो बर्दाश्त का मादा ज्यादा था। मदर शुड अंडरस्टैंड कि ये बीमारी का बहाना या कोई भी बहाना जस्ट टू गेट अटेंशन या के बच्चे का घर बर्बाद करता है, नो मैटर व्हाट। आपकी बहू एक लिमिट तक बर्दाश्त करेगी एंड देन शी विल बी लाइक, नहीं यार ये तो ड्रामे है, ये तो हमेशा ही ऐसा करेगी। तो बेटे को भी पता चल जाएगा, लेकिन बेटा बीवी को नहीं बोलेगा, मुझे पता है कि ये हो रहा है, ही नोज दैट दिस इज हैपनिंग। एक और चीज है, आई थिंक माँ का जो पेडिस्टल है हमारे माशरे में वो वैसे ही बहुत ऊपर लेवल पर दिया जाता है, तो हम ये मिस आउट कर देते हैं कि माँ भी तो इंसान ही है, वो भी जेलस हो सकती है, वो भी रिएक्ट कर सकती है, वो भी पॉलिटिक्स कर सकती है। बेटे का किरदार है ना, एक बेटा कायम करेगा ना, वो बैलेंस जो है वो बेटा कायम करेगा, ये बहुत कॉम्प्लेक्स मामला है, ठीक हो जाएगा। ओके अगला सवाल, ऊपर की लेयर से देख लो बस। घर का मर्द ऑफिस में अगर फोन करे बीवी, ठीक है, और वो एक दफा से ज्यादा करे तो मर्द चिढ़ जाता है। अगर वो एक दफा से ज्यादा कॉल करे, खासतौर पर जब हस्बैंड अपने काम पर है, और ऐसा कोई रीजन नहीं है तो, अरे यस है, मतलब कि ज्यादा कॉल कर रही है ना, तो मर्द चिढ़ता, मर्द क्यों चिढ़ता, मर्द यार साढ़े चार साल हुए तुम्हें यार, दस साल हो गए मुझे यार, हो गया यार, क्यों चिढ़ता है, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी भाभी घर जाके यार, प्लीज नहीं 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 बैलेंस नहीं करो यार, तुम्हें कहेंगी नहीं नहीं, अब तुम काम कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, जी सारा तरकारी ले आएगा, अच्छा अच्छा सुने वो बिजली वाला क्या करूं, अच्छा जी सुने वो मोटर नहीं चल रही, तुमको कि यार फोन क्यों पूछ रहा है, जरूरी नहीं है इसकी कॉल आए, बार बार फोन करती रहती है, क्यों कॉल, इस चीज की भी कॉल आ सकती है कि आपकी याद आ रही है, और क्या बारे से बात, सवाल क्या है, देखो सवाल क्या कर रही है वो है ना, तो ओके अगला सवाल आगे बढ़ो, गलत है ठीक है चलो भैया लगा दिया, याद आ रही है, अच्छा बहुएं अगर मियाँ उनके लिए कोई तोहफा लेकर आए या कोई फल लेकर आए या उनको जेब खर्च दे, वो थोड़ा सा अपनी सास से हेजिटेट करती हैं शेयर करने में, छुपाती हैं, अगर मियाँ को नहीं दे रहा तो छुपाती हैं, है? ऐसा है, अगर वो माँ के लिए लाया है तो दे विल बी वेरी ब्लंट अबाउट इट, लेकिन अगर वो माँ के लिए नहीं लाया तो आई एम श्योर दे विल नॉट, ओके छुपाती हैं, छुपाती हैं, आपका क्या कहना है मर्दों, ऐसा नहीं है, बीवियाँ नहीं छुपाती, नहीं मेरा नहीं, सासों से नहीं छुपाती, सास मतलब हाँ सास अच्छी हो जनरली बता देती है, मसला नहीं, ये अलग बात है कि बाद में कोई जेलसी फैक्टर इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया, मुझे एक बात बताएं, छुपाई जा नहीं सकती ना, छुपाई जा नहीं सकती, लड़ाई होती है, मेरा बेटा फल लाता है मेरे लिए नहीं लाता, सीधा थैली उठा के बहू के कमरे में ले जाते हैं, जब एक घर में रह रहे हैं, कंबाइंड फैमिली जॉइंट फैमिली सिस्टम है, या दो नहीं या फिर एक एक ही जगह, छुपा कुछ भी नहीं छुपा सकते, कोई भी गिफ्ट कैसे छुपाएंगे, लेट नाइट, लेट नहीं नहीं नहीं, देखो छुपाने के तो 10 तरीके इंसान छुपा सकता है, चाहे तो ये नहीं छुपा सकते, अच्छा वो ठीक है छुपा लिया, लेकिन छुपी रह सकती है, नहीं देखो मेरा मकसद है, वो शायद लड़के इतनी फ्रेंडली नहीं है कि दिखाए, वो कहेंगे जो छोड़ो ना अपने पास रख लो, कोई प्रेजेंट भी आ गया, कोई चीज आ गया, अम्मा देखो कि मेरे लिए ये लेकर आए, ऐसा कोई नहीं कर रहा आजकल, ठीक है ना, लाते हैं रख लिया फ्लाक चीज का, दे डोंट इवन मतलब ज्यादा बॉदर नहीं करती इन्वॉल्व करने में सास को, आपको क्या लगता है छुपाती है कि नहीं छुपाती बहू है, मेरा ख्याल में इसलिए छुपाती हैं कि फिर झगड़ा ना हो जाए, बुरा ना लगे, घबरा गई वो, नहीं नहीं घबरा नहीं गई, मैं ये कह रही हूँ कि शुरू से नहीं करती, एग्जैक्टली, तो लड़के कह रहे हैं कि नहीं छुपाती बीवियाँ, बीवियाँ कह रही हैं कि छुपाती है, और सासे कह रही हैं दोनों तरफ से राइट है, बुरा ना लग जाए, बाय ये राइट, वी आर राइट, देखा बनवा लिया, सिर्फ बुरा मानने के डर से आई थी, हाँ जो मुझे लगा, मुझे बड़ा अच्छा इनका वेरी गुड स्टेप, सब ब्रेक से पहले, ब्रेक से पहले एक सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल जो आप मुत्तफिक करेंगे, सासों को बहुओं का रोज मुंह उठा के ना मैके जाना पसंद नहीं आता, नहीं अच्छा लगता, ऑब्वियसली सब करेक्ट, बिल्कुल जा रहे हैं इसलिए, बिकॉज अब आपका मैका घर नहीं होता, चाहे कितना क्यों ना अच्छी सास हो, एक वक्त को आके वो फ्लेयर अप होगी, ये तो तरीका, रोज जाना जाना, और ये
वीकली गाना बर्दाश्त हो जाता है आपको? वीकली वीकली बर्दाश्त बिल्कुल वीकली हो जाता है? नॉट एवरीडे, वीकली भी नहीं होता अगर उसी शहर में है, वरना आपके शहर वीकली बर्दाश्त हो जाता है? वीकली भी नहीं होता, वीकली भी नहीं, अरे इसलिए नहीं होता वीकली, जनरली बात नंदो को आना होता है, वो भी तो आती है, तो मुंह उठा के बहुएं चली जाएंगी तो नंदो को कौन देखेगा? वो अपना घर बार, उसकी भी बहने हैं, अपने अंबर होना चाहिए, वीकली जाना चाहिए। जो मैसेज है ना, टू वीक्स क्यों ना जाए अंबर, ये कुछ भी कर ले मैसेज हम नहीं दे सकते, सबके अपने घर का रखा रखा हो। इसका मतलब है कि वो नंदे जिनकी अपनी भाभियां हैं या वो जिस घर से आ रही है तो उनकी भी सासे बुरा मानती होगी कि वो यहाँ पे यार, तो वो डे मत रखो ना, वो डे मत रखो। हम तो नंद आ रही है, सुन ले के ईद के दूसरे दिन ही जाना है, मैं के पहले दिन नहीं जा सकता। मैंने तो बराबरी ये रखी कि सारा ससुराल मेरे घर दोपहर में जमा होता है ईद को, और पहले दिन ही रात को मैं अम्मी अब्बू के यहाँ जाती हूँ। देखिए वो एक ओकेजन है, हम बात कर रहे हैं जनरली वीक टू वीक। अरे नहीं, मैं वीक की बात नहीं कर रही, मैं भी लाइक हमारा घर इतना मॉडर्न सब कुछ, लेकिन मैं भी जब मेरी शादी हुई थी तो मैं सैटरडे के सैटरडे जाती, बस वही ना वीकली। ऐसा नहीं होता था कि रोज अम्मी के यहाँ जा रही, देखो हमारा एक दिन फिक्स था सबके यहाँ ऐसा। और अगर तुम्हारी नंद आए तो तुम उस दिन नहीं जाओगी? चलो अच्छा, नंद के साथ भी मेरी, मेरे घर में ये प्रॉब्लम नहीं थी, मेरी नंद कभी भी आ सकती थी। हाँ, ठीक। और अगर उसको पता है कि मेरे अम्मी के घर जाना है तो जाना है, उस दिन ना। हाँ, हाँ, तो उस दिन ना है ना, ये चीज थोड़ी ओपन होनी चाहिए। यही है कि अगर किसी ने आना भी है एंड इफ आई हैव टू गो ऑन फ्राइडे देन आई विल गो। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए, एक तरफ सास एक तरफ बहू और एक बीच में है बेटे। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आपने ये गर्मा गर्म जो सवालों के जवाब इस वक्त देते हुए देखा, बेटी बीवियों को, माओ को और बेटों को। आगे बढ़ाते हैं अपने शो को, अब मुकाबला शुरू हो रहा है, वो वार्म अप राउंड था। अब आप लोगों ने अपने दिल के फपोले फाड़ लिए, आइए अब गेम खेलते हैं। सो हम ये जरा इतनी दूर रखने की क्या जरूरत है, मैं फ्रेम से ही आउट हो जाऊँ। ओके, आप लोगों के पास चांस है तो सासों को सबसे पहले चांस दे रहे, ये सवाल है इसके अंदर आपने जवाब देने हैं, ठीक है? और जैसे जैसे जिसके पास ज्यादा सवालों के सही जवाब आएंगे वो बट्टा उसका भारी होता जाएगा, तराजू उसका भारी होता जाएगा। सो आप लोग चूज करें ना, इन तीनों में से क्या चूज करेंगे, मैं सवाल करूंगी। पर सवाल है कोई भी, सासों ने टोटके चूज किए। ओके, तो बड़ा टोटका है। अंडो मेरे डायरेक्टर समझ रहे, मैं उसका नाम ले लूं अन्नू तो मैं अंडा भी कह सकते हैं। अंडों को देर तक महफूज रखने के लिए क्या टोटका आजमाना चाहिए? अंडों को नमक में रख देना चाहिए, अंडों को चीनी में रख देना चाहिए या आटे में रख देना चाहिए? बेसिकली फ्रिज में रखना चाहिए, फ्रिज में रखना चाहिए, ऐसा कोई नहीं रखता चावल में। मुर्गी कौन सा प्रिजर्व करना है हमने, तो जिसने भी सवाल किया है मतलब फ्रिज में डाला यार, नहीं है चलो चावलों में, चावलों में मतलब आटा हो गया ना, मुझे लगता है चूजा बनेगा, आटा डायनासोर निकलेगा, आटा चावल है ना चावल। गलत जवाब, नमक, नमक में रखना चाहिए, अंडो को नमक में रखना चाहिए। अच्छा, गलत, हमें चूजा नहीं निकालना उसको, गर्म होता है लेकिन चूजा निकाल। छोड़ बारी आई, आप ही ने चूज किया था वैसे। ओके चलो भाई, बेटो अच्छा क्या चूज करेंगे आप? हाँ भाई बताओ, सेलिब्रिटीज नहीं, ये चूज कर रहे हो तुम लोग, मैं हेल्प कर रही हूं। इसने ना कुछ सवाल पढ़ लिए थे तो मैं इसलिए निकाल। ओके, किन दो सेलिब्रिटी एक्ट्रेसेस ने फील्ड को खैर बात कह दिया शादी के बाद? आयशा खान और वो चौधरी आता था एक, सनम चौधरी। बिल्कुल सही जवाब, लाइए भाई एक बट्टा आ गया बेटे के पास। एक और भी थी आयशा चौधरी थी, कौन थी? सनम चौधरी, सनम चौधरी वो भी एक और एक्ट्रेस थी, सारा चौधरी ट्रांसलेशन वो थी मेरे जहन में। सेलिब्रिटीज बहुत सारी हैं भाई, चलो ओके चूज करो। सेलिब्रिटीज हुमायूं सईद के तीन बेस्ट ड्रामों के नाम? मेरे पास तुम हो, एक उसके बाद वो मेहंदी और एक और बताओ ना क्या हो, दिल लगी। ओके हेलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कांगी बीवी
और तीन आसान था। हाँ भाई सासों जी बताइए, हम टोटको में सही रहेंगे, कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारो। सेलिब्रिटी वाले मुर्गी को प्रिजर्व करने के लिए आप किस में रखेंगे? अच्छा आपको कसम है टेक बेस्ड क्वेश्चन कोई नहीं करेगी। चलो ट्रांसलेशन, आपने फॉर्मूला वन के बारे में कुछ नहीं कहना, ठीक है? नहीं, ट्रांसलेशन बदलते हैं। फॉर्मूला वन ट्रांसलेशन, तुम्हें नहीं पता, तुम मरीज से आई हो यार, ये बहुत अच्छा हुआ। देखिए जैसे उससे नहीं पता, मुझे नहीं पता, आपकी अम्मी को भी नहीं पता होगा, आपकी अम्मी को भी नहीं पता होगा, पूरे पाकिस्तान को पता, पूरी दुनिया को पता है, अब पता चल गया, अब मेरी उस ब्लंडर के बाद पता चल गया। ओके क्या ये क्या है? ओके ट्रांसलेशन, मैं भूल ही गई। सुने वो लिपस्टिक को उर्दू में क्या कहते हैं? लिपस्टिक, सुर्खी। सुर्खी सही जवाब। बताइए भाई, यही अच्छा लगता है। हाँ ये पे ऑन ईयर तीन ड्रामों के नाम बताए, कितने किसने बनाए ये क्वेश्चन? क्या मुझे आसान, इसलिए मैं नहीं कर रही। ARY पे इस वक्त ऑन ईयर तीन ड्रामों के नाम बताए। तेरी वो हारी पे, हारी क्या, कौन सा हारी, जो भी मैं हारी पिया, मैं हारी पिया खत्म हो गया, मैं हारी पिया कल खत्म हो गया, सही है। मैं हारी पिया बदुआ सिंफेहान। ओके सही है, ठीक है, दे देते हैं। मैं सिंफेहान तो पहले आएगा ना, ले रहे सेलिब्रिटी, हमें नहीं पता। ओके बताओ जी सेलिब्रिटीज। ओके ओके, हाल ही में किस सीनियर एक्टर का इंतकाल हुआ है? अरे बहुत सारे लोगों का इंतकाल हुआ है अभी हाल में, रीसेंट, मुझे बिल्कुल भी रीसेंटली, मतलब सना कितने दिन पहले, मतलब पिछले हफ्ते खबर आई है ये, पिछले हफ्ते के सीनियर एक्टर हैं वो, फिल्मों में भी आए हैं, पड़ोसी मुल्क की फिल्मों में भी आए हैं, ड्रामों में भी आए हैं। नहीं नहीं, अच्छा सवाल है, एक सेकंड, क्या लास्ट वीक? ये अभी पिछले एक दो हफ्ते पहले, मतलब पिछले ही हफ्ते मेरा ख्याल से। काफी बड़े एक्टर, काफी बड़े एक्टर हैं, मतलब के चले पेशावर के, क्यों? अरे वो नहीं पता, नहीं पता, देख पता है, मुझे पता है, मैंने मान लिया तुम्हारा, मदिया के ससुर रशीद नाज साहब, सही है, मान लिया। और ये हेल्प किए बेटे ने, इन्होंने भी हेल्प की थी ना हमारी, बराबर हो गया हिसाब, तुमने मेरी हेल्प नहीं की, मैंने की है। ओके चलिए बताइए, मैंने दिया, मैंने तोड़ के भाई, हमें इतना ना, मैं तो खुद, ओके भाई तोड़ के, चुका है तुम्हारा। हां सेब को खराब होने से बचाने के लिए क्या तरीका आजमाना चाहिए? ऑप्शंस दे रही हूं आपको, सेब काट कर रख ले, बार बार हाथ ना लगाए, या लेमन का अर्क छिड़के। लेमन का अर्क छिड़के, सही जवाब। इतना आसान, ये कौन बैठा है इन सवालों पर? टूट भी जाता तो फ्री आएगी, इतना आसान, ये तो कैमरामैन को भी पता होगा, शकील भाई ने, इनको नहीं पता था, पता था आपको नहीं था ना? ओके 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 ओके, चलो भाई लड़कों, हाँ बताओ लड़कों, हरे साहब कह रहे हैं टोटल ट्राई करते हैं। ओहो ओहो, जिसमें हम फेल है ऑलरेडी, अब मुश्किल आएगा। ओके प्याज का सवाल आया, प्याज जल्दी सुनहरी हो जाए सबसे बेहतरीन क्या हल है? प्याज धोए बगैर फ्राई करें, देसी घी में फ्राई करें, या फ्राई करते वक्त थोड़ी सी शुगर ऐड कर लें? इट्स ऑन हिम, इसने चूज के ही जवाब दिया। क्या देसी घी पहला ऑप्शन? देखिए प्याज जल्दी सुनहरी हो जाए, ठीक है, सबसे बेहतरीन हल क्या है? प्याज धोए बगैर फ्राई कर दे नंबर वन ऑप्शन, देसी घी में फ्राई कर दे नंबर टू ऑप्शन, या फिर फ्राई करते वक्त थोड़ी सी शुगर ऐड कर दे। बताओ किसका जवाब मानूं, एक मिनट, किसका जवाब मानूं, तुम्हारा के तुम्हारा? अब वो आपको पर है ना, जवाब लिखा होगा उसमें घी, मैं तो कह रहा हूं घी, मैं कह रहा हूं शुगर ऐड, इन पिन सेफ्टी पिन कर लो, किसका मानूं जवाब? नहीं ये केमिस्ट्री में करता होगा एक्सपेरिमेंट, मैं कह रहा हूं घी के अंदर फ्राई करने से हो जाएगा, और आप कह रहे हैं शुगर के अंदर, इनके इस पे चलते हैं घी पे, खुदा को मानो, सही
जवाब दिया था, मुझे पता है ना, मुझे पता है सही जवाब दिया था। कुछ भी नहीं, डायरेक्ट डालो चीनी से तो कैरमलाइज हो जाएगी। चीनी से वो चीनी पिघल जाती है तो वो, अरे भाई कुछ नहीं, बस डायरेक्ट शुगर बगैर सही, मैंने चूज किया था चीनी डाल, मैं तो सही मीठा हो जाएगा क्या? अरे भाई मैंने कब का के पूरा करस्तर चीनी का डाल दो। अच्छा छिड़को जी। और एक और टिप, जब आप चाइनीज खाना बना रहे होते हैं और आपको वो जो वेजिटेबल्स है उनका रंग खराब नहीं करना, तो भी हल्की सी आप चीनी छिड़क, हाँ, वो तो मैं भी, तो उसका रंग खराब नहीं होता। चलो करो क्या, कुकिंग करता हो अच्छी बात है, चलो बोलो भैया, गलत है लेकिन जवाब आप, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन खुद ही बता ना, हमें नहीं पता। एसी को क्या कहते हैं? ठंडी करने वाली मशीन, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखें एसी को क्या कहते हैं? एसी को, हाँ सुने, बहुत अजीब सा लग, बहुत अजीब सा ही है ट्रांसलेशन में, खस की चट्टी। कूलर में होती है, ये किसी और की ट्रांसलेशन होगी, टट्टी वाली चीज कोई नहीं है। खस की टटियां होती है, याद है ना आपको, वो जो वो कूलर होता है ना, ये वाटर कूलर उसमें लगाते हैं, उनमें खस की टटियां, वो खस की टट्टी लगाए तो सवाल है मुझे पता नहीं क्या है। उर्दू में एसी को क्या कहते हैं? बस अंदर क्या है वो नहीं पूछ रहे, एसी कहते हैं भैया हमें, नहीं आता एसी, हवा चक्की कहते हैं, हवा चक्की, हवा चक्की। वैसे यार ऐसे ऐसे तुम रखो, मेरे पापा को भी नहीं पता होगा, ये मेरे पापा को भी नहीं पता होगा, पापा आपको पता है, आपके गूगल को पता होगा, गूगल पापा मुझे कॉल कर, हमें सुकून हुआ कि हमारे इक्वल हो गए सारे। बताए नेक्स्ट क्या चूज करें? ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन में नॉलेज में इजाफा, अल्लाह करे आए हीटर को। डिक्शनरी को क्या कहते हैं उर्दू में? ओहो बताना नहीं तुम लोग, पॉइंट दे रहे उनको। डिक्शनरी को कहते हैं, मेरे पास आएगा ये इंशाल्लाह, ये तो सबको पता चल गया, आपको भी पता है ना, आपने क्या पूछे, सॉरी डिक्शनरी को उर्दू में क्या कहते हैं? डिक्शनरी को क्या कहते हैं? यहाँ दे दे, बताएं, आसान है, बहुत आसान है, प्लीज आस्क मी, फाइव सर, थ्री मैं वन, लुगत, लुगत, आप लोगों को भी पता है लुगत? हाँ पता है, आवाम जानती है लुगत क्या होती है, सब जानते हैं, हम भी जानते थे। चलो भाई लड़कों बताओ, टोटके से लीडर है हमारे ग्रुप, टोटके 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 टोटके, आपने ट्रांसलेशन निकाल लिया, इट्स ओके, सारी पास्कल थ्योरी टोटके पे आ गए, देखो कैसा मजा वो है भाई, जबरदस्त जा रहा है, ऑप्शंस है, ओके ओके, हां टोटका लेंगे, ओके। मेकअप उतारने के लिए क्रीम के अलावा, ठीक है, क्या इस्तेमाल किया जा सकता है? दूध, दही या मक्खन? दूध, मैं दूध, मुत्तफिक है, हाँ। सही जवाब, क्या कह रही थी अम्बा तुम? वैसे मक्खन होना चाहिए, हाँ। क्योंकि दूध तो चिकना नहीं होता, नहीं करेगा, करो दाने हो जाएंगे, मक्खन आपकी बहुत वेट है, बहुत नहीं तो आप मुंह धोए ना बाद में, हाँ? उतार रहे मेकअप दूध से तो कैसे उतरेगा, नहीं उसमें चिकनाहट होती है मक्खन में, वो आपके आपके मक्खन दूध ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला फर्क है, दूध से नहीं उतरेगा, दूध से सब प्रैक्टिकल करके देख लो, मैं मान ही नहीं सकता, नहीं सही जवाब है, मेकअप चिकने से उतरता है या पे वो वाटर होता है, ठीक है, चिकना होता है ना, नहीं मक्खन नहीं होगा, तुम देख ले मक्खन से उतरेगा वो उतर जाएगा और उसके बाद आपकी स्किन का बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि वो आपके जो है पोर्स को क्लॉग कर देगा, मक्खन लगा के दाने होंगे आपके पोर्स को क्लॉग कर देगा। जब मैं मेकअप उतारती हूँ सबसे पहले जाके ना मुंह धोती हूँ, नहीं मुंह धोने के बाद क्रीम लगाती हूँ, अगर मैं क्रीम पहले लगा लूंगी तो जो मेरे ऊपर सारा मेकअप लगा है वो मेरे पोर्स के अंदर घुस जाए, नहीं 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 आई डोंट एग्री, क्योंकि मैं रोजाना मेकअप होता है रोजाना बेबी ऑयल से चिकने से उतारा टिश्यू से एक दो दफा बेबी ऑयल बट मक्खन इज समथिंग मुंह धो बात आपकी ड्राई स्किन है ड्राई स्किन नहीं ऑयली स्किन है आपकी ड्राई स्किन है ऑयली स्किन है अरे अब आपको आप लोग प्लीज बॉक्स कर रहे हो तुम जवाब दोगे मक्खन है यार चिकनाई से केमिस्ट्री के प्रोफेसर को कॉल कर चलें आप क्या मेरे ख्याल से अगले सवाल पे चलते हैं चलिए बताइए क्या चाहिए बताओ क्या लेना है मुझे नहीं पता टोटके टोटके बड़ा मजा आ रहा है लड़की टोटके
भी जाएगी। ओके, ये नींद नहीं आती तो किस चीज का तेल कनपट्टी पे लगाना चाहिए? खोपरे का, सरसों का, खसखास का, बताओ। नींद नहीं आती तो किस चीज का तेल? मैं बताती हूँ, खोपड़ी पे लगा, मेलाटोनिन खा ले। सवाल है, एक सेकंड हमें नंबर मिलेंगे, हम बताएंगे। नहीं, तीन तेल ऑप्शन, सरसों का, खोपरे का, खसखस, खोपड़ी पे लगाना है। सरसों का तेल, खोपरे का तेल। ओके, जवाब यार, ये तुक्के लगा। खसखस बेटा, बेटा बेटा, यार हमने जवाब दे दिया ना, हमें पता था, हमें भी पता था। खसखस बोला था फाइव ने, मुझे कहा नहीं सरसों का तेल। यार इन्होंने हमारे मुंह से सुना था, क्यों पूछा होते हैं, समझ लो। किसने कहा था खसखस? मैंने, ये भी वायरल हो जाएगा। खसखस से टोन होते हैं, समझ लो। मगर सुनो प्लीज, ना ले सको। अच्छा तुम लोग की होगा के प्लीज बताएं, मक्खन ज्यादा से मेरी सुई अटक गई है, आपकी सुई अटक गई है। मक्खन से मैं आपको डिटेल के बारे में समझा दूंगा, आपको डिटेल एसएमएस करके बताइए। मेकअप उतारने के लिए सबसे पहले मक्खन लगाना चाहिए मुंह पे या दूध? अच्छा, आज मैं एक चेहरा अपना मक्खन से उतारूंगी और वीडियो बनाऊंगी और दूध उतारूंगी यूट्यूब चैनल। आज मैं करूंगी। जब भी आप उतारे मुंह, फिर आप टर्मिनेटर बन जाएंगी। आज मैं देखूंगी चेहरा नहीं उतारेगा, आप टर्मिनेटर बन जाएंगी। फिर चेहरा नहीं उतारेगा, मेकअप चेहरा नहीं, मक्खन देगा। किसकी बारी है भाई? हमारा टोटका। चले आप लोग, टोटका टोटका टोटका। यार ये क्या बात हुई यार, टोटके पे आ रहे हैं, ये क्या बात है? सब ट्राई करें ना। ओके, भिंडी गोश्त बनाते वक्त किस फल के छिलके डालने से लेस पैदा नहीं होता? लेस पैदा नहीं होता क्या? ऑप्शंस कच्चे आम के छिलके, कच्चे अमरूद के छिलके या कच्चे पपीते के छिलके? कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं। हम पहले फ्राई करते नहीं, फल के छिलके डालने से लेस पैदा नहीं होता भिंडी पकाते हुए? ऑप्शंस क्या दिए आपने वैसे? पपीते के छिलके, कच्चे आम और कच्चे अमरूद के छिलके। मुझे लग रहा है वो किससे और कौन से पपीता है? लगना चाहिए पपीता है, और पपीता है, अमरूद है और कच्चा आम। कच्चा आम? नहीं 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 नहीं, पपीता, अमरूद। अमरूद में स्मेल है, आज तक डाली थी, कौन से तोड़ के कभी नहीं डाले। हमारे तो कभी भी लेस नहीं आई, वैसे ट्राई करके। आई थिंक सेफ, सेफ तो है नहीं ऑप्शन। मक्खन कह दिया, खुदा को माने आप मक्खन में अटक गई हैं। और जो आप सुबह खाती हैं, और जो सुबह आप खाती हैं, मक्खन नहीं, मार्जरीन है, उस पे लिखा होता है मक्खन नहीं है। बस कर दो, मतलब वैसे अगर भाई इनकी काफ है भाई। निदा, सही जवाब कच्चे आम। चलो बचा, ये तुक्का था यार। और सुने, बकिया प्रोग्राम में इनकी काफ है, बकिया प्रोग्राम में इनकी काफ है। एक ब्रेक दे दो। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जनाब हम इतनी मजे की चीज करने वाले हैं। वैसे वो जो पिछले वो था ना सेगमेंट, उसमें वाह, बेटे और माँ बराबर हैं, अभी बहू ही थोड़े पीछे हैं, लेकिन अभी कोई बात नहीं, आगे कहानी अभी और है। ठीक है, आज बहू तुम लोगों को करना ये, आज बहू यहाँ आएगी, कसौटी गेम खेला है ना? हाँ जी। ठीक है, स्क्रीन बंद है? हाँ बंद हो गई। ये देखो, अब ये सिर्फ आप लोग बैठे रहिएगा, सब आप सिर्फ ये देख सकते हैं। मैं आगे आ सकता हूं? आप भी नहीं। कैसे स्क्रीन बंद कर दिया? ये सारे एलिमेंट्स जो यहाँ लिखे हैं वो सब बीवियों के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब आपने हिंट्स दे दे के इनको गेस कराना है, और अगर ये माओ ने गेस कर लिया तो ये पॉइंट उनके पास चला जाएगा, अगर ये जो हस्बैंड्स है, बेटे है, उन्होंने गेस कर लिया तो ये पॉइंट उनके पास चला जाएगा। तो नंबर वन, ये एलिमेंट बीवी के अंदर होता है, ये फितरत में होता है, उसकी नेचर में। हाँ हाँ करो, हाँ। अच्छा प्लीज, तुम्हारी बिल्कुल बैक नहीं होनी चाहिए, ऐसे रखो कि वो कैमरे में या उस कैमरे में आ जाओ। ठीक है, हाँ ताकि ये लोग भी देखें ना। चलो भाई, नंबर वन क्या हिंट होगी? तुम्हारी शर्ट से स्मेल आ रही थी परफ्यूम की, किसी और के। बैक, तुम्हारी तो बैक आ रही है। ओके, सही जवाब। एक पॉइंट माँ का, एक पॉइंट है माँ का। सेकंड पॉइंट, चलो शर्म ही नहीं आती, शुगर मक्खन से बाहर निकल गया, बैक आ रही है ना। क्या ऐसे करके बताना है? क्या ऐसे करो, तुम्हारे कैमरे में शक्ल तो आए ना, बताओ। ठीक है, शर्म ही नहीं आती, पूरा दिन गुजर गया, सारे काम पड़े हुए भाई, कॉलेज भी नहीं गई आज,
गुजरता जा रहा है, गुजरता जा रहा है, पता नहीं शाम हो गई है भाई। नेस्ती पिलाई लापरवाह लेजी लेजी नेस्ती पिलाई शर्म आ गई। शर्म क्या मतलब? नेस्ती पिला के शर्म भी नहीं आती। बेशरम बेशरम नेस्ती इसका तरीका ये है। नहीं क्या शर्म नहीं आती है? पूरा काम पड़ा हुआ है, मासी आ गई। सास नहीं अभी तक नहीं। बीवी के एलिमेंट्स, बहू के एलिमेंट्स। नाश्ता नहीं हुआ, खाना नहीं हुआ, अब क्या रात को खाना खाना है? नहीं सारे ट्राई कर लिया आप लोग ने। नहीं माए बच्चों को हमेशा इस बात पे डांटती है। हमेशा डांटती है। काहिल काहिल हाँ काहिल तो होते हैं। उस काहिली की वजह से तो यही होता है जो काम मैं कर रही हूँ 13 साल से। जो काम मैं कर रही हूँ 13 साल से बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल रमजान में अफ्तारी से पहले तो डेफिनेटली ये होता है। हाँ अफ्तारी के बाद भी होता है। ढंग नहीं है। नहीं क्या होता है? क्या करते रहते हैं दिन भर? क्या करते हैं आप लोग? बच्चे सोना। हाँ ना तो क्या सोने के बाद क्या होता है? बोलो बजर तो बजाते हैं। बोलो तो जागे। हाँ जागे। नाश्ता जागे। क्या ताने मिलते हैं बहुओं को? हर वक्त इतना फुअर 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 आ गई थी आप निकल रहे सो के भाई नहीं कर सकते आगे बढ़ो। देर से उठना यार। मेरी बहू देर से उठती है। बिल्कुल नहीं घुमाया। चलो अगला लेट हो जाती है। अगला एलिमेंट चलो अगला हमेशा लेट हो जाती है। कोने कोने बिल्कुल साफ नहीं है घर के। मेरा नेकलेस गायब है। हाँ मेरा नेकलेस देखा? भुलक्कर नहीं नहीं ये कौन करता है? ये कौन करता है? कौन करता है? उसमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है, काम करवाना पड़ता है। मासी 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 दूसरा वाला आसान है। चापलूसी। ओके अगला अगला जो जो इंसान चापलूसी करता है, जो लड़कियां चापलूसी करती हैं, तेज तरार, अपने काम निकलवाती निकलवाती हैं, मकार, अच्छा होशियार, नहीं 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 तेज नहीं। एक बहू तो मेरी बड़ी मैनिपुलेटिव, एक बहू बड़ी चालाक है और दूसरी बहू इट्स अ सीधी सीधी इट्स अ फ्रेज सॉर्ट नहीं ये चालाक है। अल्लाह की गाय नहीं अलसी की तरह की है। इसी तरह की कोई चीज है? कुछ नहीं। सामने कुछ और पीछे कुछ और, सामने कुछ और पीछे कुछ और होती है। अभी चांदी नहीं पीछे में तेज हूँ लेकिन सामने में क्या बन रही हूँ? स्वीट मीठी चुरी मीठी चुरी। आज तो मैंने बहुत ही जबरदस्त पहना है। इतराना नहीं नहीं मतलब और ये मैंने कपड़े शौकी नहीं कहाँ से लिया? मैंने कल ही कपड़े ड्रेस आज ही पहन लिया। हाँ यार मुझे बेसब्री तुम्हारा क्या हुआ बेसब्री ये क्या है? शलवार कमीज ये नहीं बोल दिखावा। तुम बात सुनो ये कैमरा नहीं है। सॉरी जिस तरह खड़े हुए हो माशाल्लाह सो हम ही देख रहे हैं। शलवार कमीज हम एंजॉय कर कल लिया आज पहन लिया वो ड्रेस उसको क्या कहें? बेसब्री ये तुम्हारा क्या जल्दबाज कपड़े जल्दबाज लिबास क्या है? कैसा लिबास है? कल लिया आज पहन लिया कौन सा लिबास है? तुम बहुत पुरानी कपड़े तैयार कर जो पहने नया लिबास नया लिबास नया जोड़ा नहीं सही नया जोड़ा इन्होंने कहा मैंने कह दिया लिबास हो गया ना मैंने तुम्हारी एक्टिंग एंजॉय की सही नया जोड़ा बोला हटाओ। अच्छा आप लोग ऐसे खड़े हो कि कैमरे जो है ना आपको इधर आए आप यूं खड़ी होंगी। अंबर मैं आपको पूरी प्लेसिंग बता रही हूँ आप जैसे खड़ी है वैसे ही खड़ी ठीक है? ठीक है अंबर इस तरफ आओ आप उनको दिखाएंगे। ओके पहला अच्छा ठीक है चलो अरे तो आसान है हम सही से बताएंगे तो बता देंगे। चलो उधर तो आओ जा मैंने हाँ। जो मैंने पोजीशंस बताई हैं उसी पे चलो बाहर जाना है। अंबर आगे आओ कैमरा लो ओ, ये है लेट होना देर हो रही है बाहर जाना है बंद कर दो दरवाजा बंद कर दो दरवाजा बंद कर दो हिफाजत से अपनी चलाना अपनी चलाना। आज के बाद से मेरी साड़ी पे जो ये चीज लगी होती है मैं संभाल के रखती हूं। चाबी चाबी
अच्छा भाई वो सारी चीजें खत्म हुई हुई हैं, अब कैसे बनेगा? लड़कों ने बोला पान, पता नहीं लड़कों, मैं तो ना अपनी बहू पे बहुत नजर रखना, बोलने तो दो नहीं, मतलब उसको सही सही नजर 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 कड़ी नजर, हम लोग ज्यादा अच्छा बता रहे हैं, दरअसल तभी तुम लोग बता पा रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हैं, जल्दी जल्दी है। उफ अल्लाह, हद होती है, मतलब के जाहिर सी बात है कि दहेज नहीं दिया, एक ही चीज बार 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 बार, सही जवाब, हम लोग इतनी अच्छे बता रहे, तुम लोग सही बहुत अच्छा बता रहे हो, बहुत अच्छा बता रहे हो, ये मुश्किल था, हां हमारे जुमले तोबा भाई कहते हैं कि वो तो बड़ी तेज है, बहुत तो चारों तरफ की नजरें रहती हैं, शातिर मगर लंबा है ये, इसका जब देखो बातें भी हम नहीं, हम अपनी बहुओं की बातें भी सुन लेते हैं, सारे कंपार्टमेंट खुले रहते हैं, हम अपनी बहुओं की बातें भी सुन लेते हैं, ये भी उनको इतराज है, हम उन पे देखते भी हैं भाई, मेरी एक बहू तो अंधी है, गूंगी है, बहरी है, लेकिन दूसरी बहू जो है ना, ओ आंखें खुली रखना, मेरी एक बहू अंधी है, गूंगी है, बहरी है, और मेरी दूसरी बहू ढीठ है, सुनती नहीं है, खुले ही रखना, और उसके तो लगता है बंदी रहे तो सुनती नहीं है, जब देखो उसको भी बुलाते रहो, बुला करना नहीं नहीं, आगे बढ़े, आंखें सही, अंधेखा अंधेखा करना, आंखें और कान छोड़ो छोड़ो, ये बहुत मुश्किल है, आंखें और कान, कान की तेज है, ओहो बहुत मुश्किल था, हां क्या था वैसे, कान कान की तेज है, ओके हां, अब नहीं हो रहा कुछ तो मेरे पे इल्जाम लग जाएगा कि हां मैं तो कोई बहाने कर रही हूँ खामखा में, तुम्हारी अम्मी तो हमेशा यही करती रहती हैं, जब हमें कहीं बाहर जाना होता है, गाड़ी में बैठ के जाना होता है, लेके जाना होता है, नहीं तुम्हारी अम्मी हमेशा यही बहाना, बीमार बिल्कुल सही, बीमारी का बहाना, बीमारी का बहाना, ओके नेक्स्ट, तोबा तोबा बहुत ही फोड़ है, आज इतना जैसे जैसे नक्शा बना दिया पाकिस्तान का, रोटी गलत बनाना, चपाती बंदा इस तरीके की होता है, कोई इंसान देखता है कि मतलब हमारा जो मैप को ही देख ले बंदा, जो वाला नहीं तो अगर ऐसे हाथ से नहीं बनती तो बेलन चकले से, बेलन चकले से बना ले, देखो रोटी रोटी बेलना, रोटी बेलना, गोल रोटी बनाना, क्या क्या गोल रोटी बनाना, कैरियर टेढ़ी बनाती तो गोल, हाँ ओके हो गया, लड़कों आ जाओ आ जाओ, अब देखते इन लोगों ने अच्छा खेला, देखो दरअसल बताना अच्छा होना चाहिए, तुम लोग तो आज पकड़ लो ना जरा, मजदूरी करवा रही हूँ यार, वो निदा निदा प्रॉपर एक्ट कर, एक चीज की तरह खड़े हो ना प्लीज, एक चीज एक्नॉलेज करो, हम बता अच्छा रहे थे, ये तो आज मैं ना तो क्या जोड़ा हमारे उसमें, चलो कौन था, और हमने कहा था नया जोड़ा, इसमें बता नया लिबास, दोबारा स्टार्ट, अभी बोला ही नहीं से निकल आई आप, ठीक है आप उनको एक्सप्लेन करें, मैं इनको एक्सप्लेन करूं, नहीं नहीं ऐसे ये क्या बात हुई हारिस यार, कि उसने आके तुम्हें कुछ कहा और तुमने फौरन यकीन कर लिया, ओ भरोसा कच्चे काम, वेरी गुड पॉइंट दे रहे हो, सुनो एक्सक्यूज मी, तुम्हारी आवाज इतनी क्लियर नहीं आ रही यार, अंदर भी टाइम कम है, अच्छा टाइम कम है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, बच्चा जो है वो हाथ से निकल गया, बच्चा नहीं नहीं देखो भाई तुमने उल्टा मान दिया, भाई एक सेकंड मैं बताता हूँ, पुराने जमाने में एक किलो के हिसाब से कुछ कपड़े लिए जाते थे बच्चे के लिए, उनको हम पोदड़े कहते थे, पैंपर्स, सही जवाब, पैंपर्स, हमने बोला था पहले, उन्होंने कहा पहले, उन्होंने बीवी ने, ये तो मैं बताता हूँ, आपकी मेरी बहस हो रही थी किस बात पे, मक्खन और दूध पे, मक्खन लगाना, मक्खन लगाना, अरे दूध लिखा है, तो दूध लिखा है बस, हाँ दूध, अच्छा ये क्या लिखा है तुम लोगों ने, क्या पागल है, हमारे जो ज़राअत का शोभा है ना उसमें गेहूं की बहुत इम्पोर्टेंस है, फसल फसल, वो गेहूं जो के घरों में आता है अनाज मशीन से, आटा आटा, अरे मुझे गरम गरम, मैं इसको मुश्किल कर रहा हूँ थोड़ा, रोटी रोटी चपाती रोटी रोटी, मैं चाह रहा था मुश्किल करके बताऊँ थोड़ा, ओ
तारीख निकल गई। नहीं नहीं मैं बता दूं, मैं बता दूं उसको। एक्चुअली क्या है कि एडिसन ने बल्ब बनाया, ठीक है ना, लेकिन वो डीसी डायरेक्ट करंट, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। हाँ जवाब है, जीत रही है, देख तो सही। समझ नहीं, ये बताओ। हाँ आवाज कहाँ है? ओ हो हो हो, कहाँ है? देखे भाई, भाई नमाज पे जाना चक्कर, होता चक्कर, खड़ा हो तो। चक्कर ये है कि हम लोग जब भी जुम्मे को जाते हैं, जुम्मे जुम्मा पढ़ने के लिए, तो हम लोग सलवार कमीज पहन के जाते हैं, लेकिन समटाइम ऐसा होता है। करीब 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 यार, इसका एक दिन का ऑर्डर है। हजार बन दानी बोल दिया, हजार बन दानी, हजार बन दानी, हजार बन पहले नहीं नहीं उसने बोला, हजार बन दानी है बेसिकली, जो हजार बन जाएगा, हजार बन दानी है, वो वहां तक दानी तक नहीं पहुंच पाएगी। चलो अगला, मैंने क्या है अगला? ओ यार बताओ क्या है, बताओ क्या यार, बड़ी मशहूर फिल्म का टाइटल है। अरे यार, नहीं नहीं नहीं, एक नहीं नहीं, छोड़ दो ऐसे, बात सुनो, गरम मसाला, हम किस लड़के के साथ आते यार, एक लड़की के साथ मेरे साथ ये काम बनाता है, नहीं करना। एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ की चीज मैंने ले ली, वहाँ पे दे दी, और वहाँ की चीज यहाँ मैंने कर दी, और फेरा फेरी, फेरा फेरी, सही जवाब, सही जवाब, अब सही से सुना ना हमने। ओके तो भाई सच्ची बात तो ये है, ये हटाऊं जरा, अगर आप हटा लें आपका बहुत एहसान होगा, थैंक यू। हाँ सो जी, आप तराजू देख सकते हैं यहाँ इस वक्त जो हमें नजर आ रहा है वो बीवी का तराजू। अरे ये उल्टा है ना, मैग्नेट लगा हुआ है वहाँ पे। अच्छा देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं, एज जनरली मैं तुमसे पूछूं कि बीवी का तराजू कैसे भारी रहे घर में, क्या करना चाहिए बहू को ऐसा कि उसका तराजू भारी रहे? बैलेंस रखना चाहिए, बैलेंस भी हो गया कि शोहर का टाइम भी देना चाहिए, घर के काम भी करना चाहिए, और देखना चाहिए कि लड़ाई ना हो घर पे, पीस रहे। थोड़ी सी इग्नोरेंस बहुत जरूरी है, हर चीज को एक लाइफ में बैलेंस बनाए, यू नो, ट्राई टू इग्नोर थिंग्स, ट्राई टू, कुछ लोगों दी है तो बिल्कुल शोर की हो जाती है, या फिर बिल्कुल घर के काम ही अपने आप को छोड़ देती है, तो बैलेंस मुझे हर चीज में मैन आना भी जरूरी। आपको क्या लगता है कि बेटों का तराजू कैसे भारी हो सकता है? भारी हो सकता है घर में, वो जो पिसते हैं ना, अम्मा की भी सुनो और बीवी की भी सुनो, वो अपने आप को उससे कैसे बचा सकते हैं? स्ट्रेटेजिक बिहेवियर, जैसे एग्जांपल करके डिप्लोमेटिक, मतलब यानी कि जहाँ साथ है वहाँ साथ को साथ की जगह पर रखें, आठ को आठ की जगह पर रखें। ये नहीं हो सकता कि आप रद्दो बदल करें इसके, सही, तो उस तरह से आप लेके चलेंगे तो आप एक 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 नॉर्म नया बना लेंगे। हाँ। उसके तहत आप यानी अगर चल सकते हैं। यानी ऐसे हम आम इंसान की आवाज में समझाएं, जबान में सियासी होना चाहिए बेटों को, और थोड़ा सियासी, जैसे अगर बीवी बैठी है और बीवी कह रही है भाई अम्मी ने मेरे साथ ये किया ये किया ये किया, तो मियाँ को क्या करना चाहिए? चुप करके सुनना चाहिए। हाँ। और फिर भूल चुप करके सुन ले, चुप करके बीवी को क्या कहें? नहीं, पहले सुन ले, उसके बाद बैलेंस करने की कोशिश करें, भूल जाए, कंट्रोल करें उसे कि नहीं सुने पहले, इसलिए क्योंकि बीवी भरी हुई होती है अंदर से, ठीक है, जब एक चीज अंदर से निकल के आ जाती है तो दिल हो जाता आपका खाली, फिर बातों को बैलेंस करना बड़ा इजी हो, फिर आपको ये कहना चाहिए कि अच्छा मैं अम्मी को समझाता हूं, सुने बगैर आप रिएक्ट कर देंगे देन कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए कहते हैं बेटों को भी बड़ा किरदार होता है, ओके, बड़ा किरदार होता है बैलेंस करने। आप कुछ कहते हो ऐसे? मैं, मुझे लगता है कि दोस्ती का रिश्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सास बहू मियां बीवी तो चलता ही रहता है, लेकिन लेकिन वो जिस तरह से का पॉलिटिकली इस तरह करना पड़ता है, क्या करना चाहिए उस वक्त जब बीवी भरी हुई हो और वो ये हुआ ये हुआ, सुन लेना चाहिए, अच्छा लिस्नर होना चाहिए बेटे को, और जब माँ के पास जाए और माँ को ये प्रॉब्लम्स हैं, अगर माँ उदास बैठी है दुखी बैठी है, तो क्या बेटों को कुरेदना चाहिए, क्या हुआ क्या हुआ, किसने क्या कहा, उसने ये कहा, ऐसे करना चाहिए बेटों को, जानना चाहिए, लेकिन नहीं पूछना तो चाहिए, अगर माँ लिसन पूछना तो चाहिए, लेकिन ये नहीं कहना चाहिए किसी ने कुछ कहा, जजमेंट नहीं, वो उसी पे राय में, उसी 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 नहीं, अभी मैं बेटों से पूछ रही हूँ, मुझे सिर्फ बेटों का पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए, नहीं सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, और इस चीज को समझना भी चाहिए कि अगर वो जैसे मैंने बात की कि अगर वो उस वक्त जज्बात अपने दिखा रहे हैं तो उस वक्त कोई डिसीजन ना दें, उसको सिर्फ सुन लें, और बाद में जब इंसान ठंडा हो जाए तो फिर उसे समझा दें। ओके, सासों को अपना तराजू जरा भारी रखने के लिए क्या करना चाहिए? एक तो उन्हें वो कर नहीं सकती, बेटियां समझना चाहिए उनको। हाँ। और ये बदला मत लें कि मेरी सास ने मेरे साथ ये किया था तो अब मैं भी अपना बदला लूंगी, आज मुझे मौका मिला कि मैं सास बनी हूँ। बेटी
अपने सारे रिश्ते छोड़ के बहू आई है नए घर में, तो उसको अपनाइया दें, उसका दिमाग खराब नहीं है। अगर बहुत ही कोई 100 में से 5 होंगी जिनका दिमाग खराब होगा जो ऐसी हरकतें करेंगी, अदरवाइज हर एक को अपने घर में सुकून चाहिए। हस्बैंड आता है थका हुआ, उसको वो टेंशन ना दे, माँ उसको ना टेंशन दे, सुकून करें। और कभी बैठ के बेटी बहू से कहें कि चलो हम इस बैठ के मसले को सुलझा लेते हैं, तुम्हें मुझसे क्या शिकायतें हैं, मुझे तुमसे, कि हमें घर में ये बात फैलाने की जरूरत नहीं, ये हमारा आपस का मैटर है, तो घर का माहौल मेरा ख्याल में कुछ मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन मैरिज में, चाहे कोई भी, अभी आप सास की बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग अक्सर दिल में चीज़ें रहते हैं और बोल नहीं पाते, और वही चीज़ें एक के बाद एक अगर वो नहीं भी हो रही होती वो दिल में आती हैं, तो बेस्ट है, कोई चीज़ बुरी लगती है ना, अगर कहते हैं ना सास बहू को बेटी समझे, तो कोई बात नहीं कह दो कि बेटा देखो ये ऐसे नहीं, तुम ऐसे कर लेना, सही है। और थोड़ी सी इम्पोर्टेंस भी अगर सास दे, ठीक है ना, जहाँ पे बहू को बहू चाहती है थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंस मिले, थोड़ा सा ख्याल रखे ऑब्वियसली, तो यहाँ पे सास अपना पल्ला भारी कर सकती है, क्योंकि बहू, कोई इंसान बुरा नहीं होता आई सपोज, इस द हैंडलिंग जो है ना एक दफ़ा, और सारी बातें फलां फलां से कह के ना दूसरे लोग आपको मिसगाइड कर सकते, तो बेस्ट है जो गिले शिकवे सामने बोलो, या तो कहिए तुम्हारी बात गलत थी और समझो, उसकी भी सुनो और उस चीज को खत्म करने की कोशिश करो, ना कि प्रोलॉन्ग कर लो, दिलों में मत रखो। बिल्कुल। सो ये जी आज का हमारा शो था, और अगर मैं, मुझसे पूछा जाए तो मुझे ऐसा लगता है, मैं हर लड़की को जिसकी नई शादी होती है उसको एक मशवरा जरूर देती हूँ, मैं उससे कहती हूँ कि 2 साल दे दो ससुराल वालों को, 2 साल सुन लो, समझ लो, सबको, सबकी नेचर्स को जान लो, उसके बाद हुकूमत बहू की ही होती है। सो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, थैंक यू सो मच, ड्रामों के बेटे, ड्रामों की बीवियां एंड ड्रामों की सासों का, ये कोई चीज वो नहीं नीचे से लिखा, नीचे लिखा आता है कि कोई चीज पर्सनल नहीं थी, सब जनरल थी, तो खुदा के लिए फाइक की किसी बात या सना की किसी बात या अंबर की किसी बात, दाइमा, इन सब की किसी बातों को नाम, लेकिन इन्होंने अपनी बीवी के साथ ये किया ये ना लगाएगा, मैं दे दिया डिस्क्लेमर दे चुकी हूँ। तो एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी, इतना मजेदार शो देख रहे हैं आप। अभी अभी सारे गेस्ट गए हैं और एक और गेस्ट एंटर हुई हमारे शो पे, और अब आज आ जाए जरा कुछ बात करते हैं, काम की बात हो जाए। डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, कंसल्टेंट नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस शेख यहाँ मौजूद हैं। मैं बिल्कुल अपनी पड़ोसन समझ के इंट्रोडक्शन करा दूँ, बताऊँ तो सही क्या क्या पढ़ पढ़ा के आई हैं और क्या क्या चीज़ें ईजाद कर चुकी हैं। नेचुरलाइज है इनकी प्रोडक्ट जो मैं भी इस्तेमाल करती हूँ, तो आज उसके बारे में आपको हम कुछ बताना चाहते हैं मिलके। जी डॉक्टर बिल्किस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक जी। नेचुरलाइज में आज हम लोग स्किन ग्लोइंग पे बात करेंगे कि स्किन ग्लोइंग के लिए नेचुरलाइज के पास क्या है। हमेशा मैं कहती हूँ कि भाई खाने से आपको ज़्यादा फर्क पड़ता है, इसलिए हमने साफ़ी के तौर पे बी क्लीन सिरप बनाया है। अच्छा। ताकि आपके एक्नी, पिंपल, ब्लेमिशेस, मलाजमा, उन सबको क्योर करने में इंटरनली आपकी हेल्प हो सके। कॉस्ट इफेक्टिव है और बहुत जैसे खाने से पहले दिन में 2 बार आपने पीना है। हाँ जी बिल्कुल, आप पी सकते हैं। इस पे सारी चीजें जो है, पीने का तरीका, क्या क्या डाला हुआ है, हर चीज इसमें ब्रीफली डिस्क्राइब की हुई है। अच्छा, उसके अलावा जो है खाने के लिए ही ग्लूटाथायोन से हमने बनाया गुल ग्लो, यानी कि गुले अनार की तरह आप खिली खिली रहें। बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट गुल ग्लो विथ विटामिन सी, ये आपके स्किन को, आपके मलाजमा को, आपके पिगमेंटेशन को कम करने में आपकी मदद करता है। इसका कोर्स 3 से 6 महीने का अच्छा। होता है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर 2 और भी पाउडर हैं जो मैंने आपके प्रोग्राम में बताया और लोगों ने बहुत पसंद किया और हमारी प्रोडक्ट बन गई, जिसमें अनार के फूल, मिश्री, यह आप मेरे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। ये जो है ये बच्चों को भी दे, कमजोरी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। कैसे खाना चाहिए बच्चों को, किस तरह दे? 1 चम्मच दूध में डाल के आप दीजिए सुबह शाम, आप देखेंगे कि उनका कलर भी साफ होगा और उनका जो मतलब के ना ग्लो भी आएगा, सन टैन भी खत्म होगा और उनको, उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है। अच्छा, ये तो है। अच्छा, दूसरा जो पाउडर है इसमें भी इसमें जो इसका जो है ना फॉर्मुलेशन बिल्कुल डिफरेंट है।
इसके फॉर्मूले में बिल्कुल डिफरेंट है। इसके नाम बताती जाएं पाउडर्स के, इसमें जी व्हाइटनिंग ग्लोइंग पाउडर जी, ये खाने का है जी। इसमें अच्छा। जी इसमें जो है हमने वो चीजें डाली हैं जिससे आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, उसके साथ साथ आपकी स्किन भी क्लियर होती है। मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो ये कहते हैं या बड़े भी कि हड्डियों में दर्द हो रहा है, स्किन भी टैन हो रही है। तो इसमें मिश्री है, बेदारी कंद है और मोस्टली ये सफ़ेद मोस्टली ये फॉर्मुलेशन ज़ाफ़रान है इसमें। ये आपके स्किन को भी क्लियर करता है और आपके दर्दों को भी कम करने में आपकी मदद करता है और ये भी एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें हैं। उसके अलावा फिर हम स्क्रब है आपके पास जी, उसके बाद हमारे पास स्क्रब है। आप कौन सा स्क्रब है? वाइटनिंग स्क्रब। वाइटनिंग स्क्रब ये जो है इसके फॉर्मुलेशन भी मेरी यूट्यूब पर मौजूद है। आपने करना क्या है, कभी आप जा रहे हैं टाइम नहीं है, जैसे हम निदा के प्रोग्राम में बताते हैं कि इंस्टेंट ग्लो कैसे लाएं, तो आप यही इसी पाउडर को आप दूध में या पानी में घोलकर 5 से 10 मिनट रख दीजिए, उसके बाद आप इसे स्क्रब कीजिए। स्क्रब करने के बाद हमारा एक पील ऑफ मास्क है विटामिन सी का, वो लगाइए तो आप देखेंगे आपको पूरा एक फेशियल का रिजल्ट मिलेगा। और आपने ये करना है जाने से 3 घंटे पहले। अच्छा, फिर आपके पास जो एक ग्लोइंग सेरम है, वाइटनिंग ग्लोइंग सेरम, वो भी लगा सकते हैं ना? बिल्कुल, ये भी लगा जी, बिल्कुल ये लगा सकते हैं। ये हमारा ग्लोइंग सेरम है, फिर आप इसको इस्तेमाल करें। अच्छा, हमारे जो सीरम है ये देखिए इसका टेक्सचर है, आप ये जो है ना बच्चे भी लगा सकते हैं, बड़े भी लगा सकते हैं और आप इसको मेकअप से पहले भी लगा सकते हैं। बिल्कुल जज्ब हो गया, ठीक है। तो ये है, इसके अलावा फिर नाइट क्रीम्स है हमारे अच्छा। पास अच्छा नाइट क्रीम्स में भी हमने, क्योंकि लोग डिफरेंट होते हैं, स्किन टाइप डिफरेंट होती है, बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं 10 साल से बड़े, तो हमने कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है। स्किन लाइटनिंग क्रीम, फेयरनेस क्रीम, जैसे मिसाल के तौर पर ये फेयरनेस क्रीम है तो ये आप 10 साल के बच्चे भी लगा सकते हैं। इसकी फॉर्मुलेशन ऐसी है कि इसमें आप मतलब बच्चों को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ना लगाए तो बेहतर है टीन एज तक ना लगाए, और अगर लगाना है तो हफ्ते में 1-2 दफ़ा लगाएं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है स्किन लाइटनिंग क्रीम। इसकी असल में ये सब मल्टी वाइटामिन है, इसमें सारी फॉर्मुलेशन चेंज हो सकते हैं, एक को एक सूट ना करे तो दूसरा सूट करे। इसी नज़रिए को हमने मतलब कि अपनाया है, इसलिए ये चीज़ें जो है थोड़ी डिफरेंट है। अच्छा, हमारा फेयरनेस प्लस क्रीम जो है ये ऑयल फ्री है। अच्छा। बहुत सारे लोग होते हैं जिस ऑयली स्किन होती है, उसमें पिगमेंटेशन भी होती है, उसमें एक्ने भी होती है और वो ग्लोई लुक भी चाहते हैं। Exactly. तो उनके लिए ये बेहतरीन है कि वो इसका इस्तेमाल करें, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और अच्छा ये क्या है दोबारा बताइए? ये सीबक थॉर्न ऑयल है। अच्छा, ये ऑयल जो है इसको हमारे किसी भी प्रोडक्ट के साथ आप यूज कर सकते हैं, क्रीम में मिला सकते हैं, आप एंटी एजिंग क्रीम में मिलाएं, हमारे किसी फेयरनेस क्रीम में मिलाएं, कहीं किसी पे भी मिलाकर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत फर्क पड़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सोप एंड फेस वॉशेस के बारे में बताएं प्लीज। अच्छा, हमारे पास 2 फेस वॉशेस हैं, विटामिन सी फेस वॉश भी है, विटामिन सी सोप भी है, फिर हमारे पास मलबरी यानी मल्टी विटामिन सोप भी है, फेयरनेस के लिए, ग्लोई लुक के लिए। आज हम बात करेंगे स्किन को ग्लो करने के लिए कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें आप कौन सी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से चूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हेयर के बारे में बताएं, हेयर कंडीशनर, थिक एंड फुल बायोटिन शैम्पू है आपके पास? जी जी, बिल्कुल बता देती हूँ। इसके साथ फिर हमारे पास सन ब्लॉक है, जब बाहर जाएंगे तो आपको सन ब्लॉक की ज़रूरत होगी। तो हमारे पास ये जो सन ब्लॉक है, आप ये SPF 30 है, आप इसको बच्चों को भी लगा सकते हैं। आप अगर क्रीम नहीं लेना चाहें बच्चों के लिए ना लें, मैं खुद उसी उसमें हूँ, लेकिन आप सन ब्लॉक आराम से बच्चों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े भी यूज़ कर सकते हैं। अब फिर आपने कहा कि बालों के लिए भी सीरम है हमारे पास, बायोटीन सीरम, बायोटीन कैरेटीन सीरम है हमारे पास। इसमें कोई स्मेल नहीं है, मतलब आप इसको दिन में 2 बार इस्तेमाल कीजिए, जब आपको रिजल्ट मिल जाए तो आप इसको रोक सकते हैं, ये सारी ज़िंदगी के लिए इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि बालों की बात हो रही है तो न्यूट्रिएंट इंटरनल आपको ज़रूरत होती है। तो इसलिए हमारे पास है हेयर फिट, यानी कि हेयर के सारे मसाइल को हल करने में। और हमने ये जो प्रोडक्ट बनाई है वो हमने पाकिस्तान के लोगों को, उनकी सेहत को नज़र में रखते हुए बनाई है कि हमारे यहाँ किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से जो है बालों के लिए हमने हेयर फिट बनाई, जो दिन में 2 बार आपको इस्तेमाल करना है, आपके बालों के न्यूट्रिएंट के साथ, आपकी बॉडी के लिए, आपके हेयर के लिए, आपके स्किन के लिए, क्योंकि हेयर के लिए जब भी बात करते हैं तो स्किन और आपके नाखून जो है उसमें शामिल होते हैं।
और फिर उसके साथ हमारे पास सारे रेंज है, शैम्पू की रेंज है, हमारे पास आंवला शैम्पू है। अगर बहुत ज़्यादा आपका हेयर फॉल हो रहा हो तो आंवला शैम्पू है, लेकिन किसी बीमारी से उठे, डेंगू से, टाइफॉइड से, कोविड से, उसके बाद आपके पास बहुत गुच्छों में हाथ में आ रहे हैं तो बायोटीन शैम्पू। अच्छा, फिर बायोटीन शैम्पू आप इस्तेमाल करना है आपको, वरना हमारा हेयर फॉल शैम्पू आंवला शैम्पू इनफ है। और अगर बहुत ज़्यादा आपके सर में खुश्की है तो फिर जिंजर शैम्पू, फिर जिंजर शैम्पू विद जिंजर ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास आंवला ऑयल जो है खुश्की को दूर करता है। जी, खुश्की को दूर करता है। हमारे पास आंवला ऑयल भी है। आपने निदा देखा होगा कि जितने भी ऑयल्स आते हैं उनके कलर जो होते हैं वो सारे जो है ग्रीन कलर का होता है, मगर हमारा आंवला ऑयल ग्रीन कलर का नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कोई कलर इसमें नहीं डाला और ये बिल्कुल जैसे सदियों पहले तेल पकता रहा है वैसे ही है। इसकी खुशबू भी आपको वैसे ही लगेगी जैसे आंवले की होती है, बाल झड़ की होती है। ये नेचुरलाइज इन्फ्यूजन है पुरानी चीज़ों का और नई चीज़ों का। हमने ब्रिज बनाया हुआ है कि जो चीज़ जो अच्छी है उसको वैसे ही आप तक पहुंचाए। जिनको बाल बढ़ाने के लिए होता है तो वो हमारा आंवला ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ये टेक्सचर दिखा देते, इसमें कोई कलर नहीं है, कोई फूड कलर, आर्टिफिशियल कलर हमने ऐड नहीं किया। इसको ऑर्डर कैसे करें डॉक्टर बल्कीस? इसको ऑर्डर करने के लिए आप हमारे फेसबुक पे जा सकते हैं, इंस्टा पे जा सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, हमारे क्लिनिक के नंबर्स पे जा सकते हैं। पिंडी का क्लिनिक का नंबर है, वहाँ से आप ले सकते हैं। लाहौर क्लिनिक का नंबर है, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और कोई डिस्काउंट दे रही हैं आज आप अपने फैंस को? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, दो दिन के लिए 15% ऑफ है नेचुरलाइज की तमाम प्रोडक्ट पर। अच्छा, आप अपनी क्लिनिक के बारे में बता देंगे, वो अगर कराची में है किधर है, लाहौर में किधर है? लाहौर में वॉल्टन रोड पर है, और जो पिंडी में सेटेलाइट टाउन पे है, और गुलशन इकबाल में जो मेरा क्लिनिक है वो सुबह 12 बजे से 4 बजे तक है। डिफेंस में मैं 6 बजे से 7 बजे, 5:30 से 7 बजे तक वहाँ होती हूँ, और सदर में मैं हफ्ते में एक बार संडे को बैठती हूँ। तो अगर आप लोग विजिट करना चाहें, क्लिनिक से लेना चाहें, यही जो डिस्काउंट है आपको क्लिनिक पे भी मिलेगा। अच्छा, मैंने सेबकथॉल ऑयल के बारे में बताएं, कौन, एक कोई सेलिब्रिटी भी आई थी, उसने बाकायदा राबिया आनम ने कहा था कि वो उसके छाइयाँ पड़ गई थी बच्चे के बाद, तो उसने कहा कि ये जो डॉक्टर बिल्कीस का सेबकथॉल ऑयल है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त रहा है पिगमेंटेशन के लिए। क्या क्या इसके अंदर खसूसियात हैं जो ये फ़ायदा पहुँचाता है? इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि हमने इसमें कोई भी, जैसे आप कुदरत ने सेबकथॉर्न ऑयल दिया है, हमने कोल्ड प्रेस से निकाल के आपको दिया है। इसमें हमने कुछ भी मैजिक नहीं किया, कुछ भी अपनी चीज़ें नहीं मिलाई, ये प्योर बेरी सेबकथॉर्न है। कुछ लोग क्या कहते हैं सीड को अलग कर लेते हैं, फ्रूट को अलग कर लेते हैं, हमने वो कुछ भी नहीं किया, ये प्योर सेबकथॉर्न ऑयल है। इससे आप हज़ारों चीज़ें बना सकते हैं। अगर आप मतलब कि आप चाहते हैं कि आपको कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसमें विटामिन सी हो, विटामिन ए हो, आप इसको डिफरेंट ऑयल्स में मिलाकर अपने लिए सीरम बना सकते हैं, और वैसे इस्तेमाल करें रोज़ाना, रात को 10 मिनट की इसकी मसाज करें, उसके बाद आप सो जाएं, आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता आपका मलाजमा, आपकी पिगमेंटेशन, आपके ओपन पोर्स, ये सब आपको टाइटन अप हो जाएगी। तकरीबन ये टाइम लगता है निदा, ऐसा नहीं होता कि आज आप लगाओ कल आप सही हो जाओ, थोड़ा सा टाइम आपने देना, और नेचुरलाइज को आपने कम से कम 3 महीने देना है ताकि आपको रिजल्ट मिल सके। थैंक यू सो मच डॉक्टर बिल्कीस, बहुत शुक्रिया जी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आपसे मुलाकात होगी कल। दुआओं में तो आप मुझे याद रखते हैं, लेकिन कल 9 बजे देखना मत भूलिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।